तो स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट, प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन लाइक, अगर वेटेज के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग इसकी बात करें तो इतना वेटेज नहीं रहता है इसका ना, लाइक 2 to 4 मार्क्स का वेटेज रहता है, 2 to 4 मार्क्स। और स्टूडेंट पता नहीं क्यों प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं कि इतना सारा सिलेबस है और मतलब वेटेज इतना नहीं रहता है तो हम लोग इसको नहीं पढ़ के जाते हैं। बट गाइस, प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि आपकी इंजीनियरिंग में मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उससे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर मीन्स कि जब हम कोर केमिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम तो हम लोग कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देन उसके बाद जब थर्ड सेम में आते हैं तब हमारा प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट आ जाता है। बिकॉज ये बेसिक है यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग सिंपल मास बैलेंस की बात करते हैं, मटेरियल बैलेंस की बात करते हैं, एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट में हमें रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर आपका प्रोसेस कैलकुलेशन अच्छा है देन डेफिनेटली आपका जो सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आपका स्ट्रांग रहेगा। ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है इसी से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आज प्रोसेस कैलकुलेशन, तो प्रोसेस कैलकुलेशन में हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज से। देखिए प्रोसेस कैलकुलेशन, तो पहले टॉपिक देखिए अगर हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन में बात करें तो वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये सबको पता होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। तो सिंपल हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग को देखिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग को हम लोग लिखते हैं देखिए यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट ऑपरेशन, जहां पर फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, और एक होता है यूनिट प्रोसेस जहां पर केमिकल प्रोसेसेस की हम लोग बात करते हैं, जहां पर केमिकल चेंजेस भी होता है। ओके, सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। सो देखिए यहां पर मैं बता रहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग को हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस में। यूनिट ऑपरेशन में जहां पर कि फिजिकल चेंजेस ओनली होते हैं, लाइक फ्लूड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, लाइक ड्राइंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, काफी सारे प्रोसेस है जो यूनिट ऑपरेशन में आते हैं। देन अगर यूनिट प्रोसेस की बात करें तो जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन, वो सब किस में आती है? यूनिट प्रोसेस में आती है। तो यूनिट लाइक किसी भी मतलब किसी भी टाइम को अगर हम लोग लाइक मेजर कर पा रहे हैं ना, अमाउंट लाइक जिसको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसे हम लोग बेसिकली यूनिट बोलते हैं। तो अब देखिए उस पर्टिकुलर यूनिट हो गया लाइक क्वांटिटी, मतलब लाइक आपने कुछ 50 लिखा, अब ये 50 लाइक आपका यूनिट हो गया, लेकिन जब तक आप इसके साथ में डायमेंशन नहीं लिखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये क्या चीज है बेसिकली। लाइक आपने 50 kg लिख दिया तो ये मास बन गया, 50 kg मास हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन मतलब यूनिट के साथ में डायमेंशन लिख देते हैं तो ये कंप्लीट हमारा यूनिट डायमेंशन हो जाता है। तो हेलो संतोष, कैसे हो? देखिए प्रोसेस कैलकुलेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, जस्ट स्टार्ट किया बेसिक से अभी हम लोगों ने, जस्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूनिट्स की। तो अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ना। फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग बात करते हैं कि एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट। मतलब हम लोग कुछ बेसिक लाइक बोल सकते हैं ना कि रेफरेंस, मतलब रेफरेंस के लिए हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हमारी कौन कौन सी यूनिट आ जाती है? देखिए फंडामेंटल यूनिट में हम लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन भी आप इसे बोल सकते हो। तो उसमें आता है लाइक लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, देन आफ्टर टाइम टेम्परेचर के बाद करंट के बाद में यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी बेसिक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बाकी जो भी यूनिट्स होती है हम इनकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट में देखिए लेंथ को हम लिखते हैं मतलब कि एम से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं किलोग्राम, टाइम को हम लोग सेकेंड से डिनोट करते हैं, देन टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, एंड इसके बाद में बात करें अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो उसको हम लोग मोल में डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर बेसिक यूनिट्स। इसके बाद में देखिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, जिसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया फोर्स। सो नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो यूनिट्स, वो बेसिकली टर्म्स होती है जिनको हम लोग किससे किससे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स। लाइक फर्स्ट यहाँ पर हो गया फोर्स, तो फोर्स को हमें पता है कि हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए फाइनली फोर्स जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कि हमने इसको लिख दिया लाइक मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, तो यहाँ पर मास को हमें पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास में केजी, उसके बाद में एक्सेलरेशन है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस फोर्स की जो यूनिट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस। तो उसके बाद में देखिए ये जो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये क्या होता है? 1 न्यूटन। इसे हम बोलते हैं 1 न्यूटन इन द एसआई यूनिट्स। ये 1 न्यूटन हो गया। सो सिंपल आपको याद रखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाता है 10^5 इंटू ग्राम
इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और ये जो 10^5 होता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 10^5 जो बेसिकली है, मतलब 10^5, उसके बाद ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसको हम लोग डाइन लिखते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10^5 डाइन्स। ये चीज क्लियर है? तो 1 डाइन लिख सकते हो आपकी क्या हो गया, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक फोर्स, हम फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स से पहले आपको मैं बताता हूँ, देखिए लेंथ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो लेंथ का कंपैरिजन आपको आना चाहिए। लाइक वन, अगर हम लोग पाउंड लिखे, 1 पाउंड, तो वेट को लिखते हैं, 1 पाउंड बेसिकली कितना हो जाएगा, वेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वेट, तो 1 पाउंड कितना होता है, 0.45 kg, है ना। उसके बाद अगर मैं लेंथ की टर्म में बात करूं, तो लेंथ देखिए 1 फीट जो है कितना होता है, 1 फीट इज इक्वल टू, ये सब टर्म आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप रिवाइज कर लीजिए, है ना, बिकॉज क्वेश्चन में आपको यूज होने वाली है ये सब। तो 1 फीट इक्वल टू कितना हो जाता है, 0.3 मीटर, 0.3048 मीटर। उसके बाद में अगर 1 फीट बात करें इंच में, तो 1 फीट कितना हो जाता है, 12 इंच हो जाता है, और 1 इंच को आप लिख सकते हो, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। होप सो कि आप सबको ये चीजें, ये टर्म्स याद होगी, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल, तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओ क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं वेट, तो वेट क्या हो जाता है बेसिकली, W इज इक्वल टू एम इंटू मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, है ना जी। तो उसके बाद यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाता है, इसकी यूनिट भी न्यूटन मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म देखिए प्रेशर, है ना, प्रेशर हम लोग हर सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने प्रेशर की टर्म डिस्कस की थी। तो प्रेशर हम लिखते हैं फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर एरिया, सो इसकी अगर यूनिट की हम बात करें तो हमको मिल जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 पास्कल, और पास्कल बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक लॉ से हम लिखते हैं, पी इज इक्वल टू रो जी एच, मीन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टेटिक, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। अब यहाँ पर डिफरेंट यूनिट देखिए प्रेशर के लिए, 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 पास्कल हम लिखते हैं, देन इसके अलावा 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1.01325 बार हो जाता है, मींस कि 1 पास्कल जो है वो 10^5, ओके 1 बार जो है 10^5 पास्कल की इक्वल होगा, देन इस, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम 1 एटमोस्फेयर लिखे, तो 1 एटमोस्फेयर को हम लिख सकते हैं MMHg की टाइम में 760 MMHg। देन इसके बाद में देखिए 1 MMHg को हम लोग टोर में भी लिखते हैं, 1 टोर के इक्वल होता है ये। इसके बाद देखिए 1 एटमोस्फेयर जो है उसको हम लोग PSI की टर्म में भी लिखते हैं, तो 14.7 PSI हो जाता है। उसके बाद देखिए 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू मीटर ऑफ वाटर की टर्म में लिखे, तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर हमको मिलता है। तो ये बेसिक टर्म्स होगी प्रेशर की, जो कि आपको याद रखनी है, कोई भी आपको मतलब यूनिट पूछी जा सकती है। ओके तो ये सब कन्वर्जन जो बेसिकली ये आपको आना चाहिए, यहाँ तक फाइन है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग टर्म डिस्कस करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हम लोग लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per m³, 1000 kg per m³। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में याद रख सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी को आप देखिए जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसको आप पाउंड पर फिट क्यूब में याद रख सकते हो, तो कन्वर्ट जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 62.43। उसके बाद में हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूड। अगर हम लिक्विड के केस में बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूड हमारा क्या होता है, वाटर होता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड गैसेस की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूड क्या हो जाता है, एयर हो जाता है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस ऑफ द गॉस प्रेशर। अगर नेगेटिव गॉस प्रेशर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव गॉस प्रेशर अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। उस केस में आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो रहेगा। अगर आपका गॉस प्रेशर जो पॉजिटिव गॉस प्रेशर होता है तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव मतलब कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर हाइयर होगा। ये कन्वर्जन पता है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म अगर बात करें तो वो होता है वर्क। देखिए वर्क हम सिंपल लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है वर्क हम लिख सकते हैं, वर्क की जो यूनिट है वो हो जाएगी, देखिए फोर्स है न्यूटन है, देन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिख सकते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाता है, जूल। तो वर्क की जो यूनिट है वो होगी जूल, जूल इज द न्यूटन इंटू मीटर, है ना। इस तरीके से हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद में आता है टर्म हीट, तो हीट में देखिए हम लोग अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी जो है वो 4.1868 जूल के इक्वल होना चाहिए, मतलब जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल के इक्वल होता है। उसके अलावा एक और यूनिट हम यूज करते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर, है ना। अब ये जो जूल हम लिख रहे हैं बेसिकली आप देख सकते हो कि इसको हम लोग किलोवाट पर ओवर मतलब किलोवाट ओवर भी लिखते हैं, किलोवाट नॉट पर ओवर, किलोवाट ओवर में यहाँ पर लिख रहा हूँ। किलोवाट ओवर जो है ये भी यूनिट किसका है, यूनिट ऑफ एनर्जी,
यूनिट ऑफ एनर्जी है भी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किलो वोट जो है वो मतलब कि वोट जो वो हो गया जूल पर सेकेंड, वोट हो गया जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको मतलब टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जूल मतलब कि हीट की यूनिट जो है हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट टाइम देखिए पावर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो पावर। पावर के लिए हमको याद रखना, देखिए यूनिट जो है, यूनिट क्या हो जाए पावर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, वर्क अपॉन ऑफ टाइम। पावर इज द वर्क अपॉन ऑफ टाइम। सो वर्क अपॉन ऑफ टाइम को हम लिख सकते हैं जूल मतलब वर्क अपॉन ऑफ टाइम जूल पर सेकंड। सो जूल पर सेकंड क्या होता है, वोट होता है। अब देखिए वन वोट क्या हो गया, बेसिकली वन वोट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकंड, वन जूल पर सेकेंड। उसके अलावा हम लोग लिखते हैं वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। वन हॉर्स पावर मतलब बिगर अगर यूनिट की टाइम है तो उसको हम लोग किस टाइम में लिखते हैं, हॉर्स पावर की टाइम में लिखते हैं। तो वन मतलब कि वन हॉर्स पावर जो है वो कितना होता है, 746 वोट होता है। तो अब यहां से इतनी टाइम अगर आपको पता है तो यूनिट कन्वर्जन पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप इजिली सोल्व कर सकते हो गाइस, इजिली सोल्व कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा देखिए एक टाइम होता है डायमेंशन कंसिस्टेंसी, उसके अलावा एक टाइम हम लिखते हैं डायमेंशन कंसिस्टेंसी। तो डायमेंशन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, लाइक कोई इक्वेशन हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की जो इसकी यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए। लाइक मैंने इक्वेशन लिखा माइनस आर ए इक्वल टू के वन इंटू सी ए अपॉन ऑफ के टू प्लस ऑफ सी ए पावर 0.5। तो यहाँ पर देखिए मैं के वन और के टू की यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। लाइक मुझे यूनिट मतलब कि रेट लो के लिए पता है, लाइक मतलब माइनस आर ए के लिए यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर की यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखिए ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन की यूनिट पता है, कंसंट्रेशन की हमें यूनिट पता है कि सी ए जो क्या हो जाता है मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मोल पर लीटर पुट कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग मोल पर लीटर पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग K1 और K2 की जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि हमें सिंपल क्या करना है कि लेफ्ट साइड में जो यूनिट है वो राइट साइड में जो यूनिट है उसके इक्वल होगी। ये डायमेंशन कंसिस्टेंसी होता है, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑलवेज वैलिड रहता है। उसके अलावा हम लोग टाइम बात करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का देखिए इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट अपॉन ऑफ द इट्स वैलेंसी। तो सिंपल यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए मोल कंसेप्ट हम लोग यहां पर लिख रहे हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है, मोल कंसेप्ट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट हम किसके साथ डील करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो सिंपली हम लोग मोल कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मोल्स इज इक्वल टू द मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस, द मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, द मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट, इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट, इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये चीज क्लियर है। इस तरीके से हम लिख मतलब सिंपल मास इन द ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, मास इन ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मोल्स मिल जाता है। देखिए सिंपली मास जो है उसको हम लोग लाइक ग्राम में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं, डिवाइडेड मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट हो जाएगा केजी पर किलो मोल या फिर ग्राम पर मोल। तो यहाँ से केजी कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पर यूनिट क्या मिल जाएगी, मोल मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग 1 किलो मोल लिखते हैं तो 1 किलो मोल क्या हो जाएगा, 10^3 मोल हो जाएगा। 1 किलो मोल जो 10^3 मतलब 1000 मोल के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर मोल कंसेप्ट। तो अगर आपको कोई भी मोल के लिए पूछा जाए मतलब मोल्स अगर कैलकुलेट करना करने के लिए पूछा जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स पे बेस्ट क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब मोल्स के रिगार्डिंग या फिर जो इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे कि गेट में आपको पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ये सिंपल सिंपल चीज है, आपको आती होगी बट स्टिल आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मतलब कि ये टाइम हम लोग कैसे लिखते हैं, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि लाइक अगर बहुत दिनों से अगर कोई टाइम हमने देखी नहीं है देन वो हमारे माइंड से लेके स्किप हो जाती है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमको याद नहीं आती है ना। तो इसलिए बेसिक चीज़ें पे ऑलवेज मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। लाइक यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए कंसंट्रेशन सिंपल हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ मिक्सर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सर इज डिवाइडेड बाय the total amount of the total amount of mixture, है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं द अमाउंट मतलब कि कंसंट्रेशन आपको, लाइक आपको सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है सोल्यूशन में मिक्सर में, तो आप कैसे लिखोगे उस मतलब कि सोल्यूट का जितना अमाउंट है उस मिक्सर में उसको डिवाइड किससे कर दो कि टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखिए कंसंट्रेशन की हम लिखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी बेसिकली हमको क्या देता है, मोलरिटी हमको देता है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी हमको क्या देता है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सिंपली देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू द ग्राम्स, द ग्राम्स मोल्स है ना, मतलब मीन्स की द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मीन्स की हम यहाँ पर लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी डिफाइन करते हैं. मीन्स ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड किसे करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिक्सचर, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये हो जाता है सिंपली यहाँ पर मोलरिटी. अब देखिए नेक्स्ट है ये मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी. ये हम लोग सब लाइक क्लास 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं, बट स्टिल हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं इस टाइम पे. तो आपको एक क्लियर रखना है, लाइक मोलरिटी जो है वो पर वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं, मोल्स पर वॉल्यूम. उसके बाद सेकंड देखिए हम लोग टाइम लिखते हैं मोलरिटी, तो मोलरिटी जो टाइम है वो हम डिफाइन करते हैं ग्राम मोल्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए सेम है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में देखिए वॉल्यूम, ना कि इसमें क्या आता है वेट आता है, मतलब अमाउंट आता है ना. सो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. देन नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग लिखते हैं नॉर्मलिटी. तो नॉर्मलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मलिटी बेसिकली क्या देता है हमको, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मींस अगर मैं यहां पर लिखूं तो सिंपली नॉर्मलिटी देखिए एन से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को, और मोलरिटी जो है उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. तो सिंपल देखिए नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यहां पर देखिए हमने इक्विवेलेंट वेट की बात की, तो इक्विवेलेंट वेट बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज डिवाइडेड बाय द वैलेंसी. ओके, तो वैलेंसी बेसिकली क्या डिनोट करता है, इट इज मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम when it forms molecules. मतलब सिंपली वैलेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि कितना एक्सेप्ट कर सकता है पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है ना, मतलब कि OH आयन जो है कितना डोनेट कर सकता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कितना एक्सेप्ट कर सकता है, वो बेसिकली पर्टिकुलरली किसी कंपोनेंट के लिए वैलेंसी रहती है ना. तो सिंपली जो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर कंसंट्रेशन का वो है पार्ट्स पर मिलियन, PPM हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. PPM बेसिकली क्या हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली देखिए अब यहाँ पर समझिए 1 ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ppm इज इक्वल टू 1 gram per 10 power 6 gram ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 gram upon 10 power 6 gram solution को हम यहाँ पर ml solution लिख रहे हैं. देन इसके बाद हमको ये मिल जाता है 1 gram जो उसको हमने मिलीग्राम में लिख दिया, तो ये 10 power 3 ml solution हो जाएगा यहाँ पर. देन उसके बाद में 1 milligram अपॉन ऑफ ये हो गया 10 power 3 ml, तो ये हो गया बेसिकली लीटर. तो सिंपल हम लोग कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मीन सिंपली 1 milligram इन पर लीटर या फिर 1 gram इन द 10 power 6 gram सॉल्यूशन. ये होता है पार्ट्स पर मिलियन. तो मोस्टली कंसंट्रेशन की जो टाइम है हम जिसके साथ डील करते हैं वो होती है ppm. ppm में हम लोग मोस्टली बात करते हैं कंसंट्रेशन की. ओके देन इसके बाद में देखिए लाइक मुझे डिफाइन करना है द मतलब कंपोजिशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. देखिए लाइक मास फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया. तो सिंपली यहाँ पर हम लोग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो पहली टर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास फ्रैक्शन. तो मास फ्रैक्शन में सिंपली क्या होता है, देखिए लाइक मुझे मास फ्रैक्शन, लाइक बाइनरी मिक्सचर है मेरे पास में, ए एंड बी प्रेजेंट है, तो बाइनरी मिक्सचर ए एंड बी के लिए मुझे मास फ्रैक्शन ऑफ ए डिफाइन करना है. मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, सिंपली मास ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी. मास फ्रैक्शन सिंपली क्या हो जाता है, द मास ऑफ ए अपॉन ऑफ द मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी. सिंपली यहाँ पर हम लोग जो कंपोनेंट का मास है जिसके लिए आपको मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसको डिवाइड किससे कर देते हैं, टोटल मास से कर देते हैं. सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना है, अगर ये परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 से सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये मास परसेंटेज बेसिकली मिल जाता. उसके बाद में लाइक हमें मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं,
मोल फ्रैक्शन सिंपली हम क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। मतलब जो जिस कंपोनेंट के लिए आप मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर रहे हो, लाइक ए के लिए लिख रहे हो, तो ए के लिए यहाँ पर मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख रहे हैं, तो मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली लाइक अगर हमें मोल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद में अगर मास रेशो कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो मास रेशो सिंपली क्या हो जाता है, लाइक जिस सॉल्यूट के लिए आपको कैलकुलेट करना है, लाइक सिंपली लाइक जिस कंपोनेंट के लिए, लाइक मुझे मास रेशो ऑफ ए कैलकुलेट करना है, देन मास रेशो ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन ऑफ मास ऑफ बी, सिंपली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मास रेशो हमने लिखा, उसके बाद में हम यहाँ पर मोल रेशो भी लिख सकते हैं, देन मोल्स ऑफ ए अपॉन ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। ये चीज क्लियर, मोल्स ऑफ मोल्स रेशो, तो मोल्स रेशो बेसिकली लाइक मोल्स ऑफ ए अगर हम लिखेंगे तो मोल्स ऑफ ए जो बेसिकली है वो हो जाएगा नॉट मास, मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो रिक्वायर्ड यहाँ पर कंपोनेंट है कंसंट्रेशन के लिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक मास फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल परसेंटेज हो गया, मास रेशो हो गया, मोल्स रेशो हो गया, ये सब टाइम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए गाइस, क्लियर है। तो सिंपली देखिए हम लोग मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन लिखते हैं, सिंपली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ड्राई सॉलिड प्लस वाटर है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा N H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई सॉलिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हमको क्या मिलता है, kg moisture upon of kg weight solid, सिंपल हम बोल सकते हैं, बिकॉज ड्राई सॉलिड प्लस H2 क्या हो जाएगा, kg weight solid हो जाएगा। देन यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके अलावा हम लिख सकते हैं मोल रेशो, तो मोल रेशो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए मोल रेशो जिसे हम लोग, ये आपका मोल फ्रैक्शन जो है ये वेट बेसिस पे डिफाइन करते हैं, वेट बेसिस पे इसे हम बोल सकते हैं, मोल रेशो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई बेसिस हो जाएगा ये, तो सिंपली यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए NH2O अपॉन ऑफ N ड्राई सॉलिड ये हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसे, देखिए kg moisture अपॉन ऑफ kg ड्राई सॉलिड। देन इसके बाद हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एंड मोल रेशो में लाइक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं सिंपली स्मॉल एक्स H2O इज इक्वल टू कैपिटल एक्स H2O अपॉन ऑफ वन प्लस कैपिटल एक्स H2O। ये चीज क्लियर है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। उसके बाद में देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं मोल रेशो, तो मोल रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, X H2O इज इक्वल टू स्मॉल, देखिए ये कैपिटल एक्स लिख रहा हूं, तो कैपिटल एक्स किसको डिनोट कर रहा है, मोल रेशियो को, मोल फ्रैक्शन को क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल एक्स, तो मोल रेशियो हम लिख रहे हैं कैपिटल एक्स एच टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स एच टू ओ अपॉन ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स एच टू ओ, है ना, मोल रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स एच टू अपॉन ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स एच टू ओ। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस की, नेक्स्ट हम लिखते हैं आइडियल गैस के लिए, देखिए हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT। सो अगर आपको STP पे सारी कंडीशंस पता है ना, एट STP अगर आपको सारी कंडीशन पता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कंडीशन होती है एट STP फॉर आइडियल गैस, अगर आपको सारी कंडीशन पता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में जब लिखते हैं तो 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 एटमोसफेयर होगा, प्रेशर जो 1 एटमोसफेयर होगा, तो सिंपली हम लिखते हैं 1 मोल। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एसटीपी की जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन हो जाता है, और प्रेशर जो है 1 एटमोसफेयर हो जाता है, तो अगर हम 1 मोल लिखे तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं लाइक 1 kmol इज इक्वल टू 22.4 m³। तो सिंपल यहाँ से देखिए हमको मिलता है एट STP हम लिख रहे हैं एट STP फॉर आइडियल गैस PV = NRT यूज करके, सिंपली हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं PV = NRT होगा ये, तो यहाँ से हम लोग R कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R क्या हो जाएगा, बेसिकली P into V upon of T,
P into V upon of N T, तो यहाँ से सिंपली हमको मिलता है R is equal to, सिंपली इसमें वैल्यू रखने पर P is equal to 1 atmosphere, V is the 22.4 liter and ओके P into V upon of NRT, तो N is the 1 mole and temperature जो है यहाँ पर होगा 273.15 केल्विन. तो सिंपली हमको R की जो वैल्यू मिल जाती है 0.0821. R is equal to 0.0821, R is equal to 0.0821 atmosphere into liter per mole per Kelvin हो जाएगा. ये एक R की universal gas constant जिसे हम बोलते हैं, R की unit यहाँ पर हो गई 0.0821 atmosphere into liter per mole per Kelvin हो गया. ये R का एक value है जो हमको याद रखना है. Now, second value देखिए अभी, second value जो है वो हम लिख सकते हैं R is equal to 0.0821. ओके ये हो गया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो हमने लिखा ही है, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर पर मोल पर केल्विन आता है. नाउ सेकंड हो जाएगा 0.0831, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 21 की जगह 31 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बार इनटू लीटर पर मोल पर केल्विन. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.0831 बार इनटू लीटर पर मोल पर केल्विन. ना उसके बाद अगर हम लोग एक और फॉर्म देखें तो R इक्वल टू हो जाता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. इसके बाद देखिए R की नेक्स्ट वैल्यू ये हो गया जूल पर मोल पर केल्विन. तो सिंपली यहां पर आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन को, बेसिकली है ना लाइक किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन लिख दिया तो ये 8314 हो जाएगा. तो मोस्टली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि R की जो है वैल्यू ये याद रखिए, R जो है वो किसके इक्वल होता है, मतलब कि यहाँ पर जो R है बेसिकली वो हो जाता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. यहाँ तक क्लियर है सब चीज. R की एक और वैल्यू है लाइक अगर हम लोग हमको कैलोरी मतलब जूल जो उसकी जगह कैलोरी में पूछा हो तो R की जो यूनिट हो जाती है 1.987. R की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1.987 ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन. इस तरह मतलब आपको किसी भी यूनिट में लाइक ये पूछा गया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. ये आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ R मैंने यहाँ पर बता दिया है. नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इस पर जो भी क्वेश्चन आए वो आप सोल्व कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आइडियल गैस मिक्सर के लिए. तो अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकता है. प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. होप सो आप सभी ने, सर आप कहाँ से हैं? ओके संतोष कुमार, आई थिंक तुम तो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो ना. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आइडियल गैस मिक्सर. नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर आइडियल गैस मिक्सर. आइडियल गैस मिक्सर लिखते हम लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं आइडियल गैस. देखिए मिक्सर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, मिक्सर वेयर मोर देन वन कंपोनेंट आर प्रेजेंट, उस केस में बेसिकली हम लोग बात करते हैं मिक्सर मतलब कि आइडियल गैस लॉस फॉर मिक्सर. तो पहला लो यहाँ पर देखिए डाल्टन्स लो है, यहाँ पर है डाल्टन्स लो के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो होता है वो होता है कि टोटल प्रेशर जो है द टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू समिशन ऑफ पी आई, द टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू समिशन ऑफ पी आई. और ये कंडीशन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिक चीज है प्रोसेस कैलकुलेशन की. अगर आप बोलो कि ये कोर्स में नहीं है देन वो फेयर नहीं होगा ना. टोटल प्रेशर इक्वल टू समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ये टाइम तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं हम लोग. आगे देखिए मतलब टोटल प्रेशर जब लिखते हैं तो ये इक्वेशन लिखते ही है ना राउल्ट्स लॉ के लिए. थर्मोडायनेमिक्स में हम लिखते हैं मास ट्रांसफर हम लिखते हैं. तो ये बेसिक चीज टाइम है, इसके लिए आपको मेंशन नहीं होगा कि डाल्टन्स लॉ मतलब कि कोर्स में है या नहीं है. तो आपको ये पढ़ना है सिंपली. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको स्टेटमेंट है इसका कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पर ये जो पी आई किसको नोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पर्टिकुलर कंपोनेंट को है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई. सिंपली जितने भी कंपोनेंट उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर. टोटल
प्रेशर। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग आइडियल गैस लो पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करें, तो हम लोग आई कंपोनेंट और टोटल मिक्सचर के लिए, अगर हम लोग टोटल मिक्सचर और आई कंपोनेंट के लिए अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लिखे, तो वहां से दोनों को डिवाइड करके फाइनली हमको मिल जाता है मोल फ्रैक्शन। वाई वाई आई क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो वाई आई जो है वो हमको मिल जाएगा कैसे, हमको वाई आई जो है मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा बेसिकली पी आई बार अपॉन ऑफ पी टी इक्वल टू एन आई बार अपॉन ऑफ एन टी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन वाई आई इंटू द टोटल प्रेशर, इंटू द टोटल प्रेशर। वाई पार्शियल प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, वाई आई इंटू द मोल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। अब आइडियल गैस की अगर हम बात करें, तो प्रेशर प्रेशर परसेंट और मोल परसेंट जो इक्वल होगा, परसेंट मतलब प्रेशर नॉट परसेंट, प्रेशर परसेंट इज इक्वल टू द मोल परसेंट। देन उसके बाद में एमेगेट जो लॉ है, देखिए उसका स्टेटमेंट होता है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है। आपको यहाँ पर कंडीशन याद रखनी है, देखिए कंडीशन जो है वो यहाँ पर है कि टोटल वॉल्यूम वी टोटल जो है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, किसके इक्वल होगा, मतलब कि समेशन ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्पीसीज का जो वॉल्यूम होगा इसके इक्वल होगा ना। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वी आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी। तो इसके बाद हमको यहाँ पर मिलता है देखिए, मतलब कि वॉल्यूम जो होगा पार्शियल वॉल्यूम वो हो जाएगा वी आई इंटू द टोटल वॉल्यूम वी टी, मतलब वाई आई इंटू द वी टी। और सिंपली हमको यहाँ पर मिलता है कि वॉल्यूम प्रेशर परसेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, मोल परसेंट के इक्वल रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन इसके बाद में देखिए हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर एवरेज वेट की। नेक्स्ट जो टाइम है वो है मोलिकुलर एवरेज वेट, है ना, या फिर एवरेज मोलिकुलर वेट, एवरेज मोलिकुलर वेट। तो एवरेज मोलिकुलर वेट हम कैसे लिखते हैं, सिंपली अगर एवरेज मोलिकुलर वेट हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट इज डिवाइडेड बाय द टोटल वेट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, टोटल वेट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। तो सिंपली हमको मिल जाता है अगर हम यहाँ पर पुट करें टोटल वेट अपॉन ऑफ द टोटल मास, मतलब एन टी, और यहाँ पर टोटल वेट जो हो जाएगा समेशन ऑफ एन आई इंटू एम आई। तो फाइनली यहाँ से हमको मिल जाता है देखिए मोलिकुलर एवरेज मोलिकुलर वेट जो है वो हो जाएगा समेशन ऑफ वाई आई इंटू वाई आई इंटू एम आई। सिंपली यहाँ पर हमको एवरेज मोलिकुलर वेट क्या मिलता है, समेशन ऑफ वाई आई इंटू एम आई। फॉर एवरेज मोलिकुलर वेट हम लिख रहे हैं कि जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट एवरेज मोलिकुलर वेट वो क्या हो जाएगा, समिशन ऑफ वाई आई इंटू एम आई। देन यहां पर देखिए हम लोग लिखते हैं मोलिकुलर एवरेज वेट को, तो मोलिकुलर एवरेज वेट जो होता है, मोलिकुलर एवरेज वेट वो यहां पर होगा एक्स वन अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट, एक्स वन अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट फॉर कॉम्पोनेंट वन, देन प्लस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज टू अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट अपॉन ऑफ मोलिकुलर वेट फॉर स्पीसीज टू। ओके, और सेट ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन देखते हैं टाइम कितना रहता है उस पर, लेकिन वहां पर हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बेसिक टर्म्स में डिस्कस कर लूंगा जिससे एक्सेस एयर कैलकुलेट करना है ना और सेट ये सब कंडीशन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टाइम होगा देन हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एक्सेस एयर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। इसी बात पे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या रहता है, नाइट्रोजन N2N जो ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन जो है वो होता है 79% और ऑक्सीजन जो है वो होता है 21%। ये हम लोग बाय वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट डिफाइन करते हैं ना, बाय वॉल्यूम। तो सिंपली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि 79% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा एयर में, उसके अलावा 21% जो है वो होगा ऑक्सीजन, 21% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल यहां पर मैं लिख रहा हूं देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 28.84 ग्राम पर मोल होता है। तो सिंपली यहां पर हम लिख सकते हैं कि 29 ग्राम पर मोल होगा यहां पर मोलिकुलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 29 ग्राम पर मोल होगा किसके लिए, एयर के लिए। देन इसके अलावा देखिए वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ओके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.79 इंटू द नाइट्रोजन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन है ना, हमने सिंपल क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर लिखा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 79%, उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, सो 0.79 इंटू एन टू, तो एन टू के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना 28, प्लस ऑफ 0.21, 0.12 क्या है ऑक्सीजन, उसके लिए एयर कितना है, एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32। तो सिंपली यहाँ से हमको मिलता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर जो है हमको 28.84 मिलता है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर जो है वो कितना मिलता है 28.84 ग्राम पर मोल। ओके, तो इस पर बेस सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, मतलब जस्ट बेसिक टर्म्स डिस्कस किए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेन मटेरियल बैलेंस इन यूनिट ऑपरेशन, है ना, मेन जो टॉपिक है। देखिए हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन में दो, मतलब टोटल तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला रहेगा मटेरियल बैलेंस इन यूनिट ऑपरेशन, सेकंड रहेगा मटेरियल बैलेंस मींस की यूनिट ऑपरेशन जो लिख रहे हैं, मींस पहले लिखेंगे हम विदाउट केमिकल रिएक्शन, सेकंड हम लिखेंगे विद केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो होगा एनर्जी बैलेंस। तो ये तीन जो पार्ट है उसमें सारा प्रोसेस कैलकुलेशन आपका कवर हो जाता है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन इन यूनिट ऑपरेशन में, जिसमें हम बात करेंगे पहले सिंपली विदाउट केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में विद केमिकल रिएक्शन, देन इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैलेंस की। सो सिंपली यहां पर हम टॉपिक लिखे हैं मटेरियल बैलेंस इन यूनिट ऑपरेशन, मटेरियल बैलेंस इन यूनिट ऑपरेशन। सो सिंपल देखिए हम लोग यहाँ पर मटेरियल, मतलब कि सिंपल प्रिंसिपल की बात करें, लाइक आपका प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि प्रोसेस आपका स्टेडी स्टेट दे रखा है, अनस्टेडी स्टेट दे रखा है ना, कंटिन्यूअस दे रखा है या फिर लाइक बेच प्रोसेस दे रखा है, ये सब डिपेंड करेगा सिंपल जब हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे मटेरियल बैलेंस के लिए। तो सिंपल क्या हो जाता है, लाइक मास ऑफ इन माइनस मास ऑफ आउट प्लस रेट ऑफ मास जनरेशन प्लस रेट ऑफ मास जनरेशन विद इन द सिस्टम माइनस ऑफ रेट ऑफ मास कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ अक्यूमुलेशन, इस तरीके से हम टोटल मास बैलेंस लिखते हैं, तो वो इक्वेशन आपको सबको पता होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पर हम लोग मटेरियल बैलेंस की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर मटेरियल बैलेंस इन यूनिट ऑपरेशन की, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक टाइम टाई कॉम्पोनेंट। तो टाई कॉम्पोनेंट बेसिकली क्या होता है, टाई कॉम्पोनेंट सबको पता होगा, टाई कॉम्पोनेंट या टाई एलिमेंट बेसिकली वो कॉम्पोनेंट होता है, टाई कॉम्पोनेंट या एलिमेंट जो है वो क्या होता है, वो कॉम्पोनेंट होता है बेसिकली टाई कॉम्पोनेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपका फीड में भी सेम अमाउंट प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट में भी बेसिकली सेम अमाउंट प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं टाई कॉम्पोनेंट। एक कॉम्पोनेंट इन ए मटेरियल बैलेंस विद ओके विच एंटर एंड लीव द सिस्टम इन ए सिंगल स्ट्रीम और वन विच एंटर एंड लीव द विदाउट एनी चेंज, ना कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होगा, उसे हम लोग टाई कॉम्पोनेंट बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग किसी रिएक्शन की बात करते हैं, लाइक ए प्लस बी से कुछ कॉम्पोनेंट बन रहा है सी, और उसमें फीड में मतलब कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन आपका फीड में भी प्रेजेंट होगा और उसके बाद में प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा, ओके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कॉम्पोनेंट हमारा टाई कॉम्पोनेंट हो जाता है। और सिंगल स्ट्रीम में हमको बेसिकली मिलता है, सिंगल स्ट्रीम में बेसिकली हमको मिलता है टाई कॉम्पोनेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए गाइस, लाइक सिंपल अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग का प्रोसेस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोसेस ले लिया ड्राइंग असेंबली, तो ड्राइंग में देखिएगा इस क्या होता है, लाइक ड्रायर है, ड्रायर का पर्पज क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना, तो हमारे पास जो फीड है वो है ड्राई सॉलिड प्लस ऑफ मॉइस्चर, हमारे फीड में क्या है ड्राई सॉलिड प्लस ऑफ मॉइस्चर है, हमारे फीड में क्या है ड्राई मतलब फीड जो हमारा वेट सॉलिड हम जिसे बोल सकते, तो वेट सॉलिड बेसिकली क्या हो जाता है ड्राई सॉलिड प्लस मॉइस्चर, सिंपली हम बोल रहे हैं कि वेट सॉलिड हमारा फीड है जो कि मतलब कि ड्राई सॉलिड प्लस मॉइस्चर से बना है। तो सिंपल ड्रायर का पर्पज क्या होता है कि वाटर को रिमूव करना, वाटर इसमें क्या होता है इवोपरेट हो जाता है, जो वाटर यहाँ पर सॉलिड में प्रेजेंट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमूव मतलब कि रिमूव हो जाएगा, वाटर इवोपरेटेड बोलते हैं। उसके अलावा देखिए रिमेनिंग जो है ड्राइड सॉलिड तो ड्राइड सॉलिड जो बेसिकली है यहाँ पर देख सकते हो आप, वो क्या हो जाएगा देखिए हमको फाइनली मिल जाएगा, उसमें से जो वाटर था वो हमने रिमूव कर दिया। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ड्राई सॉलिड फीड में भी प्रेजेंट था, उसके अलावा ड्राई सॉलिड यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, ड्राई सॉलिड यहाँ पर फीड में भी प्रेजेंट था, उसके अलावा प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो वो कंपोनेंट बेसिकली डाई मतलब कि टाई एलिमेंट होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक ही सिंगल स्ट्रीम में आपको मिलता है प्रोडक्ट में। तो सिंपली यहाँ पर ड्राई सॉलिड हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए टाई कंपोनेंट हो जाएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट टाइम देखिए हम लोग डिस्कस ओके ड्राइंग में बेसिकली लाइक सिंपल अगर आपको ड्राइंग का क्वेश्चन करना होगा तो ड्राइंग के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मटेरियल बैलेंस। सिंपल लाइक मैंने लिखा है पर ड्राइंग का प्रोसेस है, तो ड्राइंग में सिंपली क्या होता है, लाइक फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फीड में हम देखिए लाइक लिख रहे हैं कि फीड का फ्लो रेट हो गया केजी पर और उसके अलावा अमाउंट ऑफ वेट सॉलिड प्रेजेंट होगा, फीड जो है बेसिकली अमाउंट ऑफ वेट सॉलिड होगा,
सो सिंपल नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ड्रायर। अब यहाँ पर हम लोग मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं उसको डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, मॉइस्चर जो रिमूव कर रहे हैं उसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, मॉइस्चर रिमूव इन केजी पर आवर, ये हो गया बेसिकली डब्ल्यू। उसके अलावा रिमेनिंग मतलब कि जो भी मॉइस्चर जिसे हम लोग वाटर बोल रहे हैं जो कि हम लोग ने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। सेकेंड यहाँ पर देखिए पी लिख रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट, पी किसको डिनोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को डिनोट कर रहे हैं जो कि केजी पर आवर में होगा, फीट भी यहाँ पर केजी पर आवर में। तो सिंपली इस सिस्टम के लिए हम लोग कैसे क्या क्या इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं, सिंपल हमको ये पता होना चाहिए। पहले तो बेसिस हम लिखेंगे, लाइक फॉर वन ओवर लिख रहे हैं, वन ओवर हमको यहाँ पर ओवरऑल मास बैलेंस लिखना आना चाहिए। तो ओवरऑल मास बैलेंस सिंपल क्या हो जाएगा, फीड इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, फीड इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल कंपोनेंट बैलेंस की। तो कंपोनेंट बैलेंस देखिए हम लोग कैसे लिख देंगे, एफ इंटू एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन कंपोजिशन हम लिख देते हैं एफ वन। देन उसके अलावा यहाँ पर हम लोग पी के साथ लिख देते हैं एक्स टू कंपोजिशन, उसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं ओके यहाँ पर हो गया एक्स वन एक्स टू। उसके अलावा यहाँ पर जो होगा बेसिकली मॉइस्चर मतलब कि मॉइस्चर है ये वाटर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर जो एक्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डब्ल्यू इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली ओके। इसको लाइक एक्स मतलब कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इसको एक्स इक्वल टू वन पुट कर लीजिए ना, सिंपल वाटर के लिए जो ऑपरेट हो रहा है उसके लिए कंपोजिशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है यहाँ पर कंपोनेंट मास बैलेंस जो मिल जाता है, देखिए एफ इंटू एक्स वन इक्वल टू पी इंटू एक्स टू पी इंटू एक्स टू प्लस ऑफ डब्ल्यू इंटू पॉइंट वन ओके। इस तरीके से हम लोग बैलेंस अप्लाई करते हैं, सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करना, ड्राइंग का क्वेश्चन हो गया मटेरियल मतलब कि आप अगर आपके पास में कुछ ऑपरेटर पे क्वेश्चन हो गया तो उस सिंपल सिंपल प्रोसेस जब होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली क्या लिखते हो फीड जो है फीड इक्वल टू आप मतलब पहले क्या करते हो आप ओवरऑल मास बैलेंस लिखते हो फीड इक्वल टू लाइक जो भी आप आउटलेट स्ट्रीम हो रही है मतलब फीड आपका इनपुट हो गया उसके अलावा जो आउटपुट स्ट्रीम है डायरेक्टली लिख दोगे, उसके अलावा कंपोनेंट बैलेंस जो भी कंपोजिशन है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। इस तरीके से हम लोग जो भी अननोन पैरामीटर है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं गाइस है ना अब देखिए उसके अलावा ये जो हम लोग इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हैं लाइक मैंने यहाँ पर ड्राइंग की प्रोसेस के लिए दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट जो कि ओवरऑल मास बैलेंस से मिल रही है एंड सेकंड इक्वेशन कंपोनेंट मास बैलेंस से मिल रही है ना। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है सिस्टम की वो बेसिकली किसको डिनोट करती है ना, लाइक फॉर ए सिस्टम वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर ए सिस्टम इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब उसमें आपके पास में लाइक कितनी फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बोल सकते हो कि इतनी फ्रीडम आपके पास में है बट ओनली फॉर ए नॉन रिएक्टिंग प्रोसेस के लिए हम लोग जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतनी हम लोग बेसिकली अननोन जो इक्वेशन है वो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ऑपरेटर और ये जो ड्राइंग का प्रोसेस है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं है ना, आपको अच्छे से बस सोल्व करना है उनको। तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी वेट बेसिस और ड्राई बेसिस का कंसेप्ट तो बता दिया आपको है ना, वेट बेसिस या ड्राई बेसिस कैसे लिखते हैं, ड्राई बेसिस का मतलब सॉल्वेंट फ्री है ना, लाइक कोई सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर बना होगा। तो हम लोग सिंपल मोल फ्रैक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं लाइक वेट मतलब कि वेट फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द वेट बेसिस, उसके अलावा ड्राई बेसिस पे लिख सकते हैं और उसके है ना। तो ये सिंपली सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लाइक मतलब अगर हम बात करें कि मुझे वेट बेसिस पर बेसिकली क्या होता है, लाइक जो भी कंपोनेंट आपका है उसका अमाउंट डिवाइड बाय जो टोटल अमाउंट उससे डिवाइड कर देते हैं है ना। अगर ड्राई बेसिस पे हम बात करें तो जो अमाउंट है जिस कंपोनेंट का डिवाइड बाय हम यहाँ पर किससे करते हैं, बेसिकली डिवाइड जो हम करते हैं सर साइकिल प्रोसेस पर्च का भी थोड़ा सिखा देना, श्योर साइकिल बाईपास पर्च बिल्कुल आगे आएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, इसमें ही तो आएगा विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड विद केमिकल रिएक्शन, दोनों में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं बाईपास रिसाइकल एंड पर्च का जो कंसेप्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज़ें आएगी, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है ना। अगर मैं जस्ट आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊँ तो प्रोसेस कैलकुलेशन में हार्डली दो पेज में मतलब सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, तो वो मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका 10-20 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाता। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं एक जस्ट पूरा रिवीजन जिसमें छोटी छोटी चीज़ें सारी कवर कर लेता हूँ, सिर्फ फॉर्मूले पे नहीं जाता हूँ, अदरवाइज मतलब कि कुछ भी नहीं रहता रिवीजन के लिए प्रोसेस कैलकुलेशन में ना।
तो सिंपली हम लोग बात कर रहे थे लाइक बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। अब बेसिस रहता है लाइक वेट बेसिस बात करो, ड्राई बेसिस बात करो। ड्राई बेसिस को आप सॉल्वेंट फ्री बोल सकते हो, ड्राई बेसिस को आप सॉल्वेंट सॉल्वेंट फ्री भी बोल सकते हो। तो डिनोमेटर में बेसिकली हम सॉल्वेंट से मतलब कि मतलब जो टोटल हम लोग लिखते हैं लाइक टोटल मोल, तो उसमें हम लोग सॉल्वेंट के मोल ऐड नहीं करेंगे। तो लाइक मतलब कि हम लिख सकते हैं अगर मुझे मोल मोल बेसिस पे लिखना है मोल फ्रैक्शन, तो सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट सी मीन सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वेट बेसिस पे हो जाएगा। ड्राई बेसिस में तो डिनोमेटर में बेसिकली जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बेसिकली जो मोल होगा वो नहीं आएगा। सिंपल देखिए मैं लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन एक्सी इक्वल टू एन सी अपॉन ऑफ एन एच टू ओ प्लस एन सी प्लस एन एच ओ टू लिख रहे हैं, ये बिकॉज हम लिख रहे हैं वेट बेसिस पे। तो वेट बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम लोग मोल मतलब कि ड्राई बेसिस पे लिखे, तो ड्राई बेसिस पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहां से हमको मिल जाता है एन मतलब एक्स इक्वल टू एन सी अपॉन ऑफ एन सी प्लस ऑफ एन ओ टू। ये बेसिकली हमको क्या मिलता है, ड्राई बेसिस पे मिल रहा है ना। वेट बेसिस एंड ड्राई बेसिस का मतलब समझ आना चाहिए। यहाँ पर देखिए वाटर वाला जो टाइम है वो यहाँ पर एड नहीं किया है, क्लियर है। तो इसी बेसिस पे हम लोग लिखते हैं आगे मोल फ्रैक्शन और मोल रेशो। उसके अलावा हमें मोल फ्रैक्शन और मोल रेशो को कन्वर्ट करना आता है। लाइक मोल फ्रैक्शन अगर हम लिखे मतलब कि आपस में कोरिलेट करना आता है, मोल फ्रैक्शन जो है वो हो जाता है मोल फ्रैक्शन एक्स एच टू ओ इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एच टू ओ अपॉन ऑफ वन प्लस एक्स एच टू ओ। देन इसके अलावा हम लोग अगर मोल अगर हम लोग बात करें मोल रेशो की, तो मोल रेशो मतलब कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल कैपिटल एच टू ओ से लिखेंगे। सो कैपिटल एच टू ओ इज इक्वल टू एक्स एच टू ओ कैपिटल एक्स एच टू ओ कैपिटल एक्स एच टू ओ इक्वल टू स्मॉल एक्स एच टू ओ माइनस ऑफ वन वन माइनस ऑफ एक्स एच टू ओ। सिंपली ये हो गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और या मोल रेशियो हो गया। उसके अलावा पहले हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ना। उसके अलावा लाइक क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक आपको गिवन है ना, मटेरियल बैलेंस आपको अप्लाई करना है किस पे, क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन सिंपल देखिए क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मींस कि हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको कूल करते हैं। तो जो बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स लाइक रहते हैं है ना, मतलब प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं ना। सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग और कूलिंग। और यहाँ पर सिंपली मतलब क्या करना होता है हमें, लाइक अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में बताऊँ तो सिंपल देखिए लाइक फीड आ रहा है, फीड में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द फीड एट हाई टेम्परेचर। देन उसके बाद में यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजर लिख रहे हैं। तो सिंपल देखिए क्रिस्टलाइजर में क्या हो रहा है, एक हमको टॉप स्ट्रीम मिल रहा है, एक हमको बॉटम स्ट्रीम मिल रहा है। टॉप स्ट्रीम जो है उसे हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ क्रिस्टल, टोटल मास ऑफ क्रिस्टल, टोटल मास ऑफ क्रिस्टल। देन उसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिए सिंपल मतलब क्या हो रहा है, लाइक इस सी से डिनोट कर रहे हैं, ये हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है यहां पर टॉप प्रोडक्ट किसको डिनोट करेगा, क्रिस्टल्स को डिनोट करेगा जो कि प्योर हो सकते हैं, जो कि प्योर हो सकता है। ओके ये जो मैं क्रिस्टल की बात कर रहा था कि जो क्रिस्टल है वो प्योर हो सकता है फिर इम्प्योर हो सकता है। अगर क्रिस्टल इम्प्योर है तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी मतलब कि उसकी इम्प्योरिटी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे है ना, उसकी इम्प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस। सो सिंपल हम लोग एक्सी से डिनोट कर रहे हैं, इसकी जो कंपोजिशन है वो एक्सी से डिनोट कर रहे हैं, मतलब प्योर के लिए तो एक्सी जो है वन हो जाएगा, तो इम्प्योर के लिए बेसिकली हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ओके कंपोजिशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, मतलब कि इम्प्योर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल हम लोग देखिए इम्प्योर के लिए लाइक मुझे एक्सी लिखना है, एक्सी जो है वो लिखना है मतलब कि यहाँ पर हमें, तो कैसे लिखेंगे हम, एक्सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ ओके यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सी, जो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं प्योरिटी ऑफ क्रिस्टल, प्योरिटी ऑफ क्रिस्टल जो हम लिख रहे हैं। लाइक अगर देखिए 100% प्योर है देन तो जो मतलब कि एक्सी जो है वन हो जाएगा फ्रैक्शन है ना सिंपल। देन उसके अलावा हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर इम्प्योर हुआ, तो इम्प्योर हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली उसकी प्योरिटी एक्सी से हम डिनोट कर रहे हैं, एक्सी इज इक्वल टू द मोलिकुलर वेट ऑफ द मोलिकुलर वेट
मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड, द मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड एयर, द मोलिकुलर वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, मोलिकुलर वेट जो है देखिए न्यूमरेटर में क्या आता है, मोलिकुलर वेट ऑफ क्रिस्टल आता है, मोलिकुलर वेट ऑफ क्रिस्टल, मोलिकुलर वेट ऑफ क्रिस्टल आता है, और डिनोमेटर जो है बेसिकली उसमें क्या आता है, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब हुआ लाइक मुझे कोई क्रिस्टल दे रखा है, मुझे कोई क्रिस्टल दे रखा है, लाइक अगर क्वेश्चन में Na2SO4 ये दिया है तो ये तो प्योर हो गया क्रिस्टल। लाइक अगर Na2SO4.10H2 मतलब वाटर प्रेजेंट है वहां पर, तो उस केस में जो बेसिकली प्योरिटी है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। प्योरिटी जो है लाइक यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोलिकुलर वेट ऑफ Na2SO4, मोलिकुलर वेट ऑफ Na2SO4, देन उसके बाद यहाँ पर मोलिकुलर वेट हमको मिल रहा है बेसिकली, देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ Na2SO4 मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का मोलिकुलर वेट यहाँ पर आता है, और उसको हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, क्रिस्टल मोलिकुलर वेट उसको हम डिवाइड किससे करते हैं बेसिकली, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल। तो ये जो 10.10H2 बेसिकली ये किस नोट डिनोट कर रहा है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल को, हाइड्रेटेड क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज फॉर ए क्रिस्टल। और डिनोमेटर में हमने लिखा एल जो टर्म है ना, उस एल के अलावा जो कंपोजिशन होगा उसका वो हो जाएगा XL, टेम्परेचर जो है बॉटम में क्या हो जाएगा, मतलब कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर मदर लिक्विड जिसे हम बोलते हैं उसके लिए बेसिकली हम लोग लिखेंगे कंपोजिशन XL। तो सिंपल यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ओवरऑल मास बैलेंस लिखना है, उसके अलावा कंपोजिशन मास बैलेंस लिख सकते हो, दोनों का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है जो भी अननोन पैरामीटर आपके क्वेश्चन में रहेगा। ऑल क्लियर? तो सिंपली यहां पर क्रिस्टलाइजेशन के केस में आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, लाइक अगर ओवरऑल बैलेंस की बात करें तो ओवरऑल बैलेंस के लिए इक्वेशन क्या हो जाती है, ओवरऑल बैलेंस के लिए इक्वेशन हो जाती है एफ इक्वल टू एल प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके अलावा यहां पर स्टेडी स्टेट मतलब कि ये हो गया ओवरऑल मास बैलेंस, ओवरऑल मास बैलेंस। उसके अलावा हम लिख सकते हैं सोल्यूट मतलब कंपोनेंट भी बोल सकते हैं सोल्यूट को, सोल्यूट या फिर कंपोनेंट मास बैलेंस। तो कंपोनेंट मास बैलेंस हो जाता है एफ इंटू एक्स एफ इक्वल टू एल इंटू एक्स एफ प्लस ऑफ सी इंटू एक्स सी, है ना। सिंपल कंपोनेंट बैलेंस लिखा मैंने और कुछ भी नहीं किया गाइस, आप भी कंपोनेंट बैलेंस लिख सकते हो, और यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन बेस कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको प्योरिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको प्योरिटी जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको ऑलवेज ये देखना है प्रोसेस कैलकुलेशन पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्शन में उसमें आपको ये देखना है कि लाइक जो आपको कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन गिवन है या फिर मोल फ्रैक्शन गिवन है या फिर वो मोल रेशो गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलवेज आपको इंश्योर करना है कि ओके क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं अब्जॉर्प्शन, है ना, अब्जॉर्प्शन पे भी मटेरियल बैलेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन हमने ऑलरेडी मास ट्रांसफर में पढ़ा है तो उस पर बैलेंस अप्लाई करना हमको आता है, तो अब्जॉर्प्शन तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, अब्जॉर्प्शन हम इजिली खुद से कर सकते हैं, अरे मतलब करने की अलग से रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको अब्जॉर्प्शन अच्छे से आता है देन मतलब कि मास ट्रांसफर में जो हमने अब्जॉर्प्शन पढ़ा था अगर वो आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पर भी आप यूज कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें आपको। देन इसके बाद में कुछ टाइम हम डिस्कस करते हैं लाइक परसेंटेज रिकवरी परसेंटेज लॉस, है ना, इनका क्या मतलब रहता है। तो देखिए गाइस उससे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज रिकवरी, लाइक आपको क्वेश्चन में पूछा जाए परसेंटेज रिकवरी ना, लाइक आपको लाइक क्रिस्टलाइजेशन या कोई भी केस है तो वहाँ पर आपको लाइक पूछा परसेंटेज रिकवरी क्या होगा, आपके कंपोनेंट का परसेंटेज रिकवरी क्या होगा। सो परसेंटेज रिकवरी ऑफ सॉल्यूट अगर हमको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज रिकवरी ऑफ सॉल्यूट में सिंपली हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिस्टिलेट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिस्टिलेट एंड डिस्टिलेट। सो सिंपली यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डिस्टिलेट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन। अगर आप इसे यहां पर कॉलम की टर्म में देखो, है ना, तो उस केस में आपको ये मिल जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहां पर लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कॉमन है ना, बेंजीन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमको लिखना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन फीट। सिंपली आपको रिकवरी देखिए कैसे देखना, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है डिस्टिलेट, तो डिस्टिलेट में जितना सोल्यूट होगा बेसिकली उसको डिवाइड कर देना, जितना सोल्यूट आपका फीड में उससे आपको मिल जाएगा बेसिकली रिकवरी।
परसेंटेज रिकवरी मिल जाएगा। अब अगर आपको परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना, सेम सोल्यूट का अगर आपको परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना है, परसेंटेज लॉस ऑफ सोल्यूट, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप क्या करोगे, 100 माइनस ऑफ परसेंटेज रिकवरी देखोगे, मतलब परसेंटेज लॉस ऑफ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर सोल्यूट के लिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं 100 माइनस ऑफ परसेंटेज रिकवरी, तो यहाँ से इजीली हमको मिल जाएगा बेसिकली जो क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ हैंड से। क्लियर है यहाँ तक? अब जो परसेंटेज लॉस है उसको आप मतलब कि सेकंड कंपोनेंट की टाइम में भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड टाइम आपका जो भी रहेगा उसकी टाइम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिसाइकल बाईपास एंड पर्जिंग, मतलब बाईपास रिसाइकल एंड पर्जिंग। गाइस अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। देखिए रिसाइकल बाईपास रिसाइकल एंड पर्जिंग पे हम लोग आ गए हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन, देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैलेंस। फाइनली हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा एनर्जी बैलेंस पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, देखिए बाईपास रिसाइकल एंड पर्जिंग, तो उसमें से मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल बैलेंस सिंपल विदाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल रिएक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, सिंपल प्रोसेस के लिए ऑपरेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल ऑपरेशन के लिए। तो पहला टॉपिक में लिख रहा हूँ बाईपास, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं मतलब बाईपास को बाईपासिंग भी लिखते हैं। तो सिंपल देखिए कोई प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, ये मेरा प्रोसेस है और यहाँ पे मुझे फाइनल यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है, लाइक डी मिल रहा है ना, देन इसके मतलब फीड इंट्रोड्यूस किया हमने एफ, देन इसके बाद हमें को यहाँ पर मिल रहा है प्रोडक्ट डी, ये हमारा प्रोसेस है। तो अब देखिए कुछ मतलब कि समटाइम हमको क्या करना पड़ता है, लाइक हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमको मतलब कि मेंटेन करके रखनी है ना, फाइनल कंसंट्रेशन जो है लाइक मतलब कि हमको मेंटेन करके रखनी है। तो उसको लाइक अगर लाइक प्रोसेस में हमारी कंसंट्रेशन अगर कम हो गई और हमें जो फाइनल मतलब प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फीड में से कुछ पास मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फीड जो है वो हम लोग बाईपास कर देते हैं और फाइनली वो जो मिक्सचर है मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ में मिक्स हो जाता है। तो उससे बेसिकली क्या होता है, उससे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हमको जो चाहिए डिजायर वो हमको मिल जाती है बेसिकली, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, फीड जो है जिसे हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, इसका कंपोजिशन एक्सएफ हो गया, प्रोडक्ट पी, देन इसका कंपोजिशन एक्सपी हो गया। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, तो इसका भी कंसंट्रेशन जो है एक्सपी के इक्वल होगा, है ना। ये अमाउंट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस शिफ्ट में प्रोसेस के मतलब कि डाउन स्ट्रीम में बेसिकली हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं, तो ये आपका सेपरेटर पॉइंट हो गया, स्प्लिटिंग पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं, देन इसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया यहां पर स्प्लिटिंग पॉइंट बेसिकली। देखिए स्प्लिटिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फीड है जिसकी जो कंसंट्रेशन हमारे पास में है वही कंसंट्रेशन यहां पर रहेगी, वही कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली है। सिंपली अगर मैं एक्सएफ कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, लाइक मैं एक्सएम कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, ये एक्सबी कंसंट्रेशन है, तो इन तीनों पॉइंट पर बेसिकली क्या होगा, एक्सएफ इज इक्वल टू एक्सबी इज इक्वल टू एक्सएम, बिकॉज है ना। सिंपली देखिए यहाँ पर एक्सएफ जो है किसके इक्वल होगा, एक्सबी के इक्वल होगा, और एक्सबी किसके इक्वल होगा, मतलब कि कंसंट्रेशन तीनों पॉइंट में, बिकॉज हम लोग सिर्फ अमाउंट सेपरेट कर रहे हैं वहां पर, मतलब कंपोजिशन की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल हमने क्या किया फीड में से कुछ अमाउंट जो है वो बाईपास कर दिया और यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स कर दिया हमने। सिंपल इसे हम लोग बोलते हैं बाईपास स्ट्रीम हम इसे बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए बी से इसको डिनोट कर रहा हूं, बाईपास को जैसे अमाउंट जो उसको हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, देन फाइनली जो प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए इसको मैं यहाँ पर मिक्सिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर लाइक ये हो गया स्प्लिटिंग पॉइंट और ये हो गया मिक्सिंग पॉइंट जहाँ पर हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लाइक कुछ कंसंट्रेशन मेरा रहा होगा X1 एट आउटलेट पॉइंट ऑफ प्रोसेस, तो इसमें X1 में देखिए हम लोग कुछ अमाउंट मतलब कि डिफरेंट कंसंट्रेशन का, हाइयर कंसंट्रेशन का कुछ अमाउंट हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनली इसका जो कंसंट्रेशन वो XB है और यहाँ पर X1 के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनली एक नया कंपोजिशन हमको मिलेगा XP। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं X1 इज नॉट इक्वल टू XB इज नॉट इक्वल टू XP, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ लिख सकते हैं।
तो मिक्सिंग पॉइंट पे बेसिकली जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और स्प्लिटिंग पॉइंट जो है वहां पर कंपोजिशन जो है वो सेम होगा। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको सिंपली समझना है। तो पहला पॉइंट हो गया बाईपास, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो बाईपास पर। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कि इतना टिपिकल क्वेश्चन रहता है बाईपास प्रोसेस का यूज हो गया। मतलब आपको कि मोस्टली केसेस में आपको रेशो पूछता है, लाइक आपको पूछ लिया, आपको पूछ लेता है लाइक आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ फीड दैट इज बाई प्रोडक्ट है ना। मतलब कि आपको लाइक बाईपास रेशो अगर पूछता है तो बाईपास रेशो का मतलब क्या, देखिए बाईपास रेशो अगर आपको पूछता है तो बाईपास रेशो हो गया मतलब द अमाउंट ऑफ बाईपास स्ट्रीम है ना, अमाउंट ऑफ द बाईपास स्ट्रीम जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ फीड। बाईपास रेशो हो जाता है सिंपली जितना हमने यहाँ पर मतलब जो अमाउंट है फीड का वो हमने बाईपास किया उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया, फीड से डिवाइड कर दिया। तो ये हमें मिल जाता है बेसिकली बाईपास रेशो। ये गेट में पूछा जाता है बाईपास वर्ड ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको बाईपास रेशो ना। यहाँ से आपको देखिए ये जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं बाईपास, उसके बाद में हम रिसाइकल डिस्कस करेंगे, पार्जिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रोसेस कैलकुलेशन में गेट में बहुत सारे, मैं आपको बोलूंगा ना। तो ये बाईपास प्रोसेस क्लियर है सिंपल। देन इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, प्रोसेस की यील्ड इंक्रीज करने के लिए। लाइक आपने कुछ मतलब कि फीड आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, लाइक अगर वो प्रोसेस में 50% अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसका जो फाइनली मतलब कि जो अनकन्वर्टेड पार्ट होता है उसको हम लोग वापस फीड के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका फिर से कुछ कन्वर्जन हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यील्ड जो है बेसिकली यील्ड जो है प्रोसेस की वो इंक्रीज हो जाती है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द प्योरिटी एंड टू इंक्रीज द प्योरिटी। लाइक मतलब एक बार आपने प्रोसेस किया देन फाइनली आपको कुछ प्रोडक्ट मिला, लेकिन आपको क्या करना है वहां पर जो आउटलेट में प्रोडक्ट है उसका कंपोजिशन जो है ना, वो कंपोजिशन मतलब आपको कंसंट्रेशन के टाइम में, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के टाइम में बात करूँ तो लाइक रिड्यूस करना है, वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पे ना। तो अगर आपको प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट हाई चाहिए तो आप यहाँ पर रिसाइकल का हेल्प करके उस प्रोसेस को फिर से ट्रीट कर सकते हो, मतलब रिएक्टेंट जो है वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी जो है मतलब वो इंक्रीज करने के लिए मतलब कि टू इंक्रीज द प्योरिटी देन इसके अलावा सिस्टम का जो यील्ड है वो इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिसाइकलिंग स्टीम। सिंपल है रिसाइकलिंग स्टीम, देखिए कैसा होता है। एक प्रोसेस यहां पर है, इस प्रोसेस में सिंपली मैं यहां पर देखिए फीड लिख रहा हूं, उसका कंपोजिशन एक्सेप्ट हो गया। तो यहां पर होता क्या है कि जो प्रोडक्ट स्ट्रीम यहां पर मिल रही है हमको, प्रोडक्ट स्ट्रीम कुछ मिल रही है उसमें से कुछ पार्ट हमने यहां पर रिसाइकल कर दिया है ना, उसमें से कुछ पार्ट हमने यहाँ पर रिसाइकल कर दिया। ये बेसिकली किसको नोट कर रहा है, रिसाइकल स्ट्रीम बेसिकली ना, ये रिसाइकल स्ट्रीम हो जाएगा। यहां से फाइनली भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा, नेट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं नेट प्रोडक्ट। ये जो पॉइंट है यहां पर सिंपली अब हम बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग हो रहा है, यहाँ पर सिंपली जो है स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब कि जो कंपोजिशन X1, X2 या X3 अगर हम लिखे इन तीनों पॉइंट पे तो सिंपली जो कंपोजिशन है ना X1 इक्वल टू X2 इक्वल टू X3 होगी एट ए स्प्लिटिंग पॉइंट। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग X3 कंपोजिशन यहाँ पर आ रहा है, X3 या फिर इसे हम लोग रिसाइकल स्टीम है तो इसे हम XR भी लिखते हैं। सो XR यहाँ पर है, देन उसके अलावा फीड में XF है, उसके अलावा मिक्सिंग स्टीम जो है वो है XM, मिक्सिंग स्ट्रीम जो है वो है XM, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो XM है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बेसिकली मिक्सिंग पॉइंट है, तो मिक्सिंग पॉइंट पे फीड का कंपोजिशन, रिसाइकल का कंपोजिशन एंड HR यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं बेसिकली देखिए मतलब कि मिक्सिंग और मिक्सिंग को आप कुछ भी लिख दीजिए, XM लिखा है हमने ना। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फीड का कंपोजिशन देन रिसाइकल का कंपोजिशन एंड यहाँ पर XM लिखा है मैंने, तो XM मतलब कि ये जो कंपोजिशन तीनों है ये डिफरेंट डिफरेंट होगा बिकॉज यहाँ पर ये मिक्सिंग पॉइंट है, ये बेसिकली मिक्सिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेसिकली आपको गेट में पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है चीजें गाइस। अब देखिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं यहाँ पर रिसाइकल प्रोसेस के लिए डायग्राम, रिसाइकल प्रोसेस फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए रिसाइकल प्रोसेस सिंपल हम लिख रहे हैं प्रोसेस फीड देन यहां पर मिक्सिंग स्टीम हो जाएगा, ये पॉइंट टू हो गया मेरा ना, ये पॉइंट वन ये मिक्सिंग पॉइंट है, ये आपका मतलब मिक्सिंग पॉइंट जहां पर XM कंपोजिशन है, ये लाइक यहां पर टोटल प्रेशर PT लिख रहे हैं, ये XP हो गया है ना। देन यहां पर कुछ अमाउंट जो है हमने रिसाइकल कर दिया। ओके अब यहां पर देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टम, लाइक ये सिस्टम हो गया टू,
ये आउटसाइड में जो है बेसिकली वो हो गया सिस्टम टू, तो ये हो गया सिस्टम 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 टू और ये हो गया बेसिकली सिस्टम वन, है ना। हमने सिस्टम वन और सिस्टम टू डिफाइन कर दिया। तो जब सिस्टम वन पे हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल बैलेंस, अगर हम सिस्टम वन की बात करें तो सिस्टम वन पे अगर हम लोग ओवरऑल बैलेंस लिखे तो ओवरऑल बैलेंस हमको क्या मिल जाता है, ओवरऑल मास बैलेंस। तो सिस्टम वन की बात कर रहा हूं मैं, तो सिस्टम वन पे ओवरऑल बैलेंस हम लिख सकते हैं तो हमको मिल जाता है फीट जो है किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम लोग यहाँ पर विदाउट केमिकल रिएक्शन बात कर रहे हैं, फीट जो है डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देन इसके बाद में देखिए अगर कॉम्पोनेंट बैलेंस हम लगाए, कॉम्पोनेंट मास बैलेंस, तो हमको मिल जाता है फीट फीट इंटू एक्स एफ इक्वल टू पी इंटू एक्स पी। ये चीज क्लियर है, ये सिंपल हम लोग सिस्टम वन पे बैलेंस लिख रहे हैं, जो ओवरऑल सिस्टम वन है बेसिकली हमारा कंप्लीट, इस पे हम लोग बैलेंस लिख रहे हैं। नाउ सिमिलरली सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बैलेंस, एक मिनट, सिंपलली हम लोग यहां पर सिस्टम सिस्टम टू जो है उस पे हम बैलेंस लिख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ सिस्टम सिस्टम टू है उस पे आप बैलेंस लिख सकते हो सिंपली। अब देखिए आपको बैलेंस ऐसे पॉइंट पे लिखना होता है जहां पर आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा हो ना, लाइक अगर आप स्प्लिटिंग पॉइंट पे लिखोगे तो आपको कुछ मतलब स्प्लिटिंग पॉइंट पे अगर आप लिखोगे मतलब कि बैलेंस सिंपल आप वहां पर ओवरऑल मास बैलेंस लिखोगे और कंपोनेंट मास बैलेंस तो आपको सेम इक्वेशन मिलती है। तो स्प्लिटिंग जो पॉइंट है उस पर बैलेंस आपको नहीं लिखना, आपको बैलेंस ऐसे पॉइंट पे लिखना जहां पर आपको कुछ रिजल्ट मिले। लाइक मिक्सिंग पॉइंट पर जब बैलेंस लिखोगे तो आपको वहां पर दो डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी, तो वहां से आप सोल्व कर सकते हो पैरामीटर कुछ, है ना। ये बेसिकली सिंपल ट्रिक है कि जहां पर कुछ कंपोजिशन चेंज हो रहे हो वहीं पे आपको बैलेंस लिखना, अदरवाइज आपको इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं मिलेगी। इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिलेगी तभी तो हम लोग जो अननोन पैरामीटर उसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल देखिए हम लोग बैलेंस लगा के दोनों सिस्टम पे लिख सकते हैं और रिसाइकल रेशियो जो है देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। हम सिंपल रिसाइकल रेशियो डिफाइन करते हैं और रिसाइकल रेशियो किसको डिनोट करता है, कितना मतलब कि अमाउंट आपने रिसाइकल किया है, अमाउंट ऑफ आर इज डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ फ्रेश स्पीड। ये होता है रिसाइकल रेशियो, आर इज द अमाउंट ऑफ रिसाइकल स्ट्रीम, आर इज द अमाउंट ऑफ रिसाइकल स्ट्रीम आर इज द अमाउंट ऑफ द रिसाइकल स्ट्रीम इज डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ फीड इज डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ फ्रेश फीड। यहां तक क्लियर है, रिसाइकल जो है क्या होता है, आर अपॉन ऑफ एस मीन जितना अमाउंट हम रिसाइकल स्ट्रीम का भेज रहे हैं उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ द फ्रेश फीड से। तो हमको यहां पर मिल जाएगा रिसाइकल रेशियो, है ना। मास ट्रांसफर से हमको मतलब कि कंपेयर नहीं करना है, वहां पर रिसाइकल रेशियो अलग होता है, एल बाई डी होता है। ओके, जितना आप लोग लिक्विड वापस मतलब कि इंट्रोड्यूस करते हो कॉलम में और डी और उसको डिवाइड कर देते हो डी से जो कि डिस्टिलेट होता है इन एज ए टॉप प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग रिसाइकल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर रिसाइकल रेशियो पे आपको पूछा गया हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो स्प्लिटिंग पॉइंट वाला था वो भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन में ना, एक पैरामीटर के लिए मतलब कितना, एक पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए कितने आपको न्यू पैरामीटर चाहिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो वो भी बेसिकली मतलब स्प्लिटिंग पॉइंट वाले मैकेनिज्म पे था कि स्प्लिटिंग पॉइंट पर कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो यहां पर आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो रिसाइकल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अब देखिए मैं और एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं विदाउट केमिकल रिएक्शन ही, विदाउट केमिकल रिएक्शन ना, मतलब जो हमने पर्जिंग प्रोसेस डिस्कस किया, देन इसके बाद अभी हम रिसाइकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमने पहले बाईपास डिस्कस किया था, बाईपास एंड इसके बाद रिसाइकल डिस्कस किया था, देन अभी हम लोग पर्जिंग डिस्कस करने वाले। तो ये सारे प्रोसेस हम बेसिकली जो लिख रहे हैं वो विदाउट केमिकल रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, मतलब हमारे प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। तो सिंपल यहां पर हम लिख रहे हैं पर्जिंग, पर्जिंग और पर्जिंग जो है बेसिकली उसे हम लोग ब्लो डाउन भी बोल सकते हैं। तो पर्जिंग की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मतलब सिस्टम में क्या होता है जो इनर्ट कंपोजिशन है, बिकॉज हमें पता है कि देखिए इनर्ट कंपोजिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट कंपोजिशन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता तो हमारे सिस्टम में जो है इनर्ट कंपोनेंट है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक रिसाइकल के साथ आपने यूज कर किया पर्जिंग, तो आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, अमाउंट जो है मतलब प्रोडक्ट में जो अमाउंट मिल रहा है आपको उसको आप रिसाइकल कर रहे हो, है ना, उसको आप रिसाइकल कर रहे हो। तो सिंपली वहां पर होता क्या, धीरे धीरे एक टाइम के बाद में जो इनर्ट कंपोजिशन है, जो इनर्ट कंपोजिशन है उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ना, जो इनर्ट बिल्डअप हो सकता है उसको बेसिकली रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल स्ट्रीम में से कुछ पार्ट जो है वो सेपरेट कर देते हैं, लाइक रिमूव कर देते हैं, तो उसकी जगह फिर फ्रेश मेकअप हो जाएगा, है ना, उसकी जगह फ्रेश मेकअप हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो देखिए कैसा प्रोसेस रहेगा पर्जिंग, सिंपली ये एक प्रोसेस आपके पास में, यहां पर हमने फीड इंट्रोड्यूस किया,
यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट प्रोसेस में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये तो रिसाइकल प्रोसेस हो गया। आर यहां पर क्या हो जाएगा, रिसाइकल स्ट्रीम, पूरा लिख देता हूं मैं, आर इज द रिसाइकल तो एज ए, इसको मैं पी डेस लिख रहा हूं, पी डेस। और यहां पर कंपोजिशन देखिए एक्स आई पी डेस है, यहां पर भी यहां पर एक्स आर है, और यहां पर जो है यहां पर ये स्प्लिटिंग पॉइंट है, तो यहां पर कंपोजिशन जो है सेम ही रहेगा। तो इस पॉइंट पे भी एक्स पी एक्स एक्स पी जो डेस है मतलब कि है ना, कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पर्ज स्ट्रीम वो यहाँ पर रहेगा। सिंपली कुछ अमाउंट यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो स्टेडी स्टेट केस में हम लोग डायरेक्टली बैलेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन एफ इंटू एक्स आई एक्स आई एफ इक्वल टू पी डेज इक्वल टू, सिंपली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एट स्टेडी स्टेट है ना, एट स्टेडी स्टेट पे देखिए फीड इंटू एक्स आई एफ बेसिकली क्या हो जाएगा, फीड इंटू एक्स आई एफ इज इक्वल टू पी डेज इंटू एक्स आई पी डेज है ना। यहाँ पर एक्स आई पी डेज जो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, जो यहाँ पर इनर्ट इनर्ट जो बेसिकली है सिस्टम में, यहाँ पर इनर्ट्स के लिए हम लिख रहे हैं बेसिकली, इनर्ट्स का कंपोजिशन होगा ये एक्स मतलब एक्स आई पी जो है बेसिकली। तो इस तरीके से मेन जो पर्पज है पर्जिंग का, पर्जिंग का मेन पर्पज क्या होता है कि जो इनर्ट्स बेसिकली बिल्डअप हो रहे होते हैं उनको रिमूव करना। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस लिखते हो, ओवरऑल बैलेंस मतलब आप इनर्ट पे बैलेंस अप्लाई करते हो ना, एट स्टेडी स्टेट हम लोग किस पे बैलेंस अप्लाई करते हैं, इनर्ट पे। तो फीड में जितना इनर्ट होगा, फीड में लाइक एक्स आई एफ जो लिखा है, आई मतलब कि इनर्ट का कंपोजिशन डिनोट कर रहा है, एफ मीन्स फीड, सो इनर्ट का फीड में जितना कंपोजिशन है, तो यहाँ से हम टोटल हमको अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ द इनर्ट इज इक्वल टू पी डेज इंटू एक्स आई आई पी डेज जो है बेसिकली उसके इक्वल होगा। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर अमाउंट मतलब कि ये बेसिकली मिल जाता है एफ इंटू एक्स एक्स आई एफ इज इक्वल टू पी डेज इंटू एक्स आई डेज है ना, एक्स आई डेज हमको मिल जाता है। तो सिंपली हम लोग करते क्या, हम लोग ये लिखते हैं कि जितना इनर्ट एंटर कर रहा है सिस्टम में उतना ही इनर्ट बेसिकली हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाता है एट आउटलेट स्ट्रीम, जिसे हम लोग पर्ज स्ट्रीम बोल रहे हैं। नाउ इसके बाद देखिए हम लोग पर्जिंग, हमने पर्जिंग पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप सिंपल कर सकते हो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, मतलब कि मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन, हमारे प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन भी हो रही होगी, ऐसे सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। सेम जनरल इक्वेशन सेम रहेगा, रेट मास रेट ऑफ इन माइनस मास रेट ऑफ आउट प्लस मटेरियल जनरेशन विद इन द सिस्टम देन माइनस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन इक्वल टू अक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल विद द सिस्टम। तो सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन है ना, यहां पर हम बात करें मटेरियल बैलेंस बट विथ केमिकल रिएक्शन। जनरल इक्वेशन सेम रहेगी, रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास प्लस मटेरियल जनरेशन विद इन द सिस्टम माइनस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन विद इन द सिस्टम देन इक्वल टू अक्यूमुलेशन ऑफ ए मटेरियल विद द सिस्टम है ना। तो सिंपल हम लोग अगर हम लोग कंसिडर करें कि जनरेशन और कंजम्पशन टाइम नहीं, तो सिंपल हम लिख सकते हैं मास इन माइनस ऑफ मास आउट इक्वल टू द अक्यूमुलेशन। अब देखिए अगर आपने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा है ऑलरेडी, हमने भी क्विक रिविजन भी किया है, तो जो केमिकल देखिए एक्चुअली में तो प्रोसेस कैलकुलेशन पहले हमें डिस्कस करना चाहिए था इसका क्विक रिविजन भी, बट हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग डिस्कस किया है, तो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट अभी वो ओके होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं लाइक आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, ए प्लस बी जो है रिएक्ट करके सी फॉर्म कर रहा है ना, सी और डी, और यहाँ पर ए बी सी डी जो है बेसिकली वो किसको डिनोट कर रहा है, उसके स्टैचुमेटिक कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन एक टाइम डिफाइन करते हैं, और जो कन्वर्जन टाइम है वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, ओनली फॉर रिएक्टेंट। कन्वर्जन जो है हम लोग ओनली फॉर रिएक्टेंट डिनोट करते हैं। तो कन्वर्जन जो है बेसिकली वो यहाँ पर अगर ए के लिए कन्वर्जन की बात करें, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन ए नोट माइनस ऑफ एन ए अपॉन ऑफ एन ए नोट। सिंपली यहाँ पर हमको कन्वर्जन मिल जाता है, लाइक कन्वर्जन में लिखा कि द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माइनस ऑफ फाइंड द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से हमको मिलता है बेसिकली कन्वर्जन, यहाँ से हमको क्या मिलता है कन्वर्जन। सो कॉरस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पर लिख सकते हैं
करस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने मोल रिएक्ट किए हैं ए के, कितने मोल ए के रिएक्ट किए हैं, उसके अलावा बी के कितने मोल मतलब कि कितने मोल बेसिकली रिएक्ट किए हैं। ये सब चीज़ बेसिकली हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक देखिए यहाँ पर अगर मुझे लिखना है इस इक्वेशन के लिए मेरा कितना अमाउंट ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्ट किया है ना, मोल ऑफ ए रिएक्टेड, मोल ऑफ ए रिएक्टेड ना, ए के लिए रिएक्टेड लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा सिंपली हमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन उसका कन्वर्जन गिवन, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड मिल जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, देखिए कि कितने मतलब कि कितने नंबर ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो बी जो है कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ बी रिएक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाई एन ए नॉट इंटू एक्स ए। मोल्स ऑफ बी जो है रिएक्टेड वो कितना मिल रहा है हमको, बी बाई ए इंटू एन ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली आप यहाँ पर सी के लिए लिख सकते हो, डी के लिए लिख सकते हो ना, सी और डी के लिए बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। मोल्स ऑफ सी जो है प्रोड्यूस होने वाला है वहाँ पर, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जीरो कंसिडर करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा वहाँ से। नाउ अब नेक्स्ट टाइम देखिए स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, तो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, द मोल्स ऑफ ए परसेंट इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ बी परसेंट। तो मोल्स ऑफ ए परसेंट जो है बेसिकली अगर वो मोल्स ऑफ बी परसेंट के इक्वल हो, द टू रिएक्टेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इन द स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन इफ द रेशियो इज इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑब्टेंड बाय द बैलेंस रिएक्शन। मतलब जो रेशियो है, मतलब वो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन पे हो, किसी भी टाइम पे हम लोग जब देख रहे हैं कि रेशियो ए अपॉन ऑफ बी मोल्स ऑफ ए परसेंट अपॉन मोल्स ऑफ बी परसेंट अगर हम लोग चेक करते हैं, तो हमको एट डिफरेंट टाइम पे बेसिकली हमको जो रेशियो है वो सेम मिलता है, वो रेशियो जो है हमको सेम मिलता है। उसके अलावा हम लोग एक टाइम डिफाइन करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना, स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन तो हो गया, उसके अलावा हम लोग एक टाइम लिखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें जो कंपोनेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो रिएक्टेंट जो स्पीसीज जो कंपोनेंट पहले बेसिकली कंज्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो अनदर रिएक्टेंट रहेगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, और ये हम कैसे देखते हैं बेसिकली बेस्ड ऑन द मोल्स, मोल बेसिस पे हम देखते हैं सिंपली। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि लाइक एक रिएक्शन हो रही है N2 plus of 3H2 is equal to 2NH3 is equal to 2NH3 ना, तो लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे जो नाइट्रोजन है उसके कितने मोल गिवन है, 15 मोल, उसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसके कितने मोल गिवन है, 24 मोल, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है बेसिकली उसको किससे डिवाइड करूंगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो ये हो गया 15 अपॉन ऑफ 1, ये हो गया 24 अपॉन ऑफ 3। तो यहाँ से हमको मिल जाता है कि 15 ये हो गया रेशियो 15, और ये जो रेशियो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको ये याद रखना है कि जो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट डिफाइन करते हैं बेसिकली वो बेस्ड ऑन किस पे डिफाइन करते हैं, बेस्ड ऑन मोल बेसिस ना। उसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट। तो फ्रैक्शनल एक्सेस देखिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए है, तो फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट अगर लिखना हो हमको तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट। तो सिंपल देखिए ये अच्छे से समझ गए आप, आपने पूछा था किसने, सिरालकर ने पूछा था सर साइकिल बाईपास
पार्ट्स का भी प्रॉब्लम करवा दीजिए। देन उसके अलावा यहाँ पर पूछा था, देखिए निक्स ने पूछा था कि सर ऑटोसेट एक्सेस एयर के एग्जांपल में प्रॉब्लम होती है, तो ओके ठीक है उसी सेक्शन को देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट का मतलब क्या है। द फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट द फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द एन ए फीट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन फीट माइनस ऑफ द स्टैचमेट्रिक कोफिशियंट। तो फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए अगर हमें लिखना तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन फीट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्टैचोमेट्रिक इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टैचोमेट्रिक। है ना, सिंपली हम क्या करते हैं, एक बार फिर से मैं लिखता हूं, देखिए अगर फिर से लिखता हूं कि आपको फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट ए कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे कि जितना अमाउंट फीड में है उसमें से कितना माइनस कर दोगे, ये स्टैचोमेट्रिक किसको डिनोट कर रहा है, एन ए स्टैचोमेट्रिक बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, एन ए स्टैचोमेट्रिक होता है कि थ्योरेटिकली कंप्लीट होने के लिए उस रिएक्शन को थ्योरेटिकली कितना अमाउंट बेसिकली यहां पर रिएक्टेंट का बेसिकली यूज होगा। तो ये हो गया एन ए फीड अपॉन ऑफ एन ए फीड माइनस ऑफ एन ए स्टैचोमेट्री अपॉन ऑफ एन ए स्टैचोमेट्री। ओके अब यहां पर हम लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं, अगर ये मतलब फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में हो जाएगा, कि यहां पर हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे और जो भी यहां पर कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन क्या करते हैं, बेस्ड ऑन मोल बेसिस हम लोग करते हैं। तो यहां पर सिंपली आपको ये समझना है कि एन ए स्टैचोमेट्री जो मैं लिख रहा हूं, एन ए स्टैचोमेट्री किसको डिनोट कर रहा है, एन ए स्टैचोमेट्री और जिसे हम लोग थ्योरेटिकल भी बोल रहे हैं, एन ए स्टैचोमेट्री और एन ए थ्योरेटिकल बेसिकली क्या है, एन ए स्टैचोमेट्रिक और थ्योरेटिकल। तो ये बेसिकली क्या होता है, the number of moles required to react completely completely the number of moles of A required to react completely with the limiting reaction। मतलब आपको कन्वर्जन कितना गिवन इक्वेशन में कोई मैटर नहीं करता है, थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए आपको कंसिडर करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहाँ पर लिखिए कैपिटल ए, देखिए कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है कंपोनेंट ए जो है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो अगर आप एन ए के लिए लिख रहे हो तो वहां पर जो एन ए के जितने मोल्स है बेसिकली वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेसिकली उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जो मोल्स बेसिकली रिक्वायर्ड होंगे हमको मिनिमम मोल्स, वो बेसिकली क्या होंगे, एन ए थ्योरेटिकल या फिर एन ए स्टैचोमेट्रिक, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं, एग्जाम्पल यहां पर ले रहे, देखिए C2H2 प्लस ऑफ 2H2 C2H2 प्लस 2H2 जो है वो C2H6 बना रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके 20 मोल हमको गिवन है, इसके भी 50, इसके 50 मोल गिवन है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया, इसको हमने 2 से डिवाइड किया स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यहाँ पे हमको 20 मोल मिला, यहाँ पर हमको 25 मोल मिला, यहाँ पर हमको 25 मोल मिला। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि C2H2 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, है ना, वो बेसिकली क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लिख रहे हैं और हमें फ्रैक्शनल एक्सेस लिखना है ऑफ एस टू, फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ एस टू। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए ओके द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फीट माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्योरेटिकल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्योरेटिकल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर नंबर, अब फीड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने फीड, मतलब कि हम लोग किसके कैलकुलेट कर रहे हैं, द फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फ्रैक्शनल एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के इनिशियल कितने नंबर ऑफ मोल्स है, N2 फीड, तो ये हो गया 50 है ना, एंड NH2 फीड,
तो ये हो गया 50 मोल, तो 50 मोल में से सेपरेट कितना करना है, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली कितने मोल की हमें रिक्वायरमेंट है देखिए वो हमें देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीट होने के लिए कितना हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए एक मोल C2H2 के लिए 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो 20 मोल C2H2 हमारे पास में, तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 50 मोल। तो यहाँ पर ओके एक के लिए दो रिक्वायर्ड हो रहा है, तो 20 के लिए 40 मोल हो जाएगा बेसिकली। तो 50 माइनस 40 इज डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल 40 है ना, यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्या मिल जाता है, 50 माइनस 40 इज डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.25, उसको परसेंटेज में लिख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कंबशन ऑफ सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, लाइक कंबशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, कंबशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्लूइड। तो सिंपल में लिख रहा हूं, लाइक मेरे पास में फ्यूल गैस है, एफजी इज द फ्यूल गैस प्लस एयर के साथ रिएक्ट हो रही है, फ्यूल गैस है, उसमें से हम लोग इसमें जब एयर रिएक्ट करेगी तो ये फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लू गैसेस प्लस ऑफ हीट उसमें से रिलीज होगी है ना, ये यूज होगी। ओके विच वन सर एक बार रिपीट कर दीजिए, बट कौन सी टाइम के लिए बात कर रहे हो, थ्योरेटिकल फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट इसकी बात कर रहे हो क्या, हम बात कर रहे थे फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल देखिए आपको फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट करना होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ लाइक जिस भी कंपोनेंट के लिए मैंने सिंपल लाइक रिएक्टेंट एक सर मस्त काम कर रहे हो अक्षय मिस्त्री, कैसे हो अक्षय, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, अपने जो भी फ्रेंड है, बिकॉज नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ता है ना, पॉजिटिव थॉट्स मतलब बिल्ड करता है। हाँ फ्रैक्शनल वाला मैं पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो गाइज अपने कॉलेज ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, जिससे वो भी रिवाइज कर सके, या फिर अपने जूनियर है तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। सो गाइज हम यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहा था फ्रैक्शनल एक्सेस को रिपीट कर दीजिए, देख मैं सिंपली कुछ भी नहीं यार, फ्रैक्शनल एक्सेस किसी भी रिएक्टेंट का कैलकुलेट करना है तो क्या रहेगा, सिंपली कि आपको किसी कंपोनेंट के लिए निकालना है फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए मतलब लाइक रिएक्टेंट ए जो है कितना रिएक्ट कर रहा है उसका फ्रैक्शनल एक्सेस कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, कितना फीट में वो है, देन माइनस ऑफ कितना स्टैच्योमेट्रिक एन ए स्टैच्योमेट्रिक किसको डिनोट करता है, एन ए स्टैच्योमेट्रिक डिनोट करता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है बकायदा, देखिए राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही तो हो सकता है ना राइटिंग का थोड़ा इशू रह सकता है इसमें, देखिए ये मैंने सिंपली लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब हमें चूज करना है पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमें सिस्टम में लिमिटिंग रिएक्टेंट चूज करना है, इसके लिए मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है ना। तो वी एन ए स्टैच्योमेट्रिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना हमें रिक्वायरमेंट है एन ए यहाँ पर एन ए स्टैच्योमेट्रिक डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, कंप्लीट लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसको रिएक्ट करने के लिए कितने कंपोनेंट आपको चाहिए होंगे, तो वही हो जाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इसी एन ए स्टैच्योमेट्रिक से, तो हमको मिल जाएगा फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेकर समझा दिया कि यहाँ पर आपके पास में देखिए ये रिएक्शन है C2H2 प्लस ऑफ 2H2 से C2H6 बन रहा है, तो सिंपली मैंने फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लिया कि 20 मोल ऑफ C2H2 मेरे पास में है एंड H2 के 50 मोल है, तो सिंपली देखिए अब यहाँ पर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं उसको डिवाइड कर देते किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर सिंपली हमको मिल गया 20 और यहाँ पर मिल गया 25, तो यहाँ से मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर C2H6 जो है जो कि 20 है, मतलब जो अमाउंट लो रहेगा वो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कंपोनेंट, तो सिंपली अब मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल गया C2H2। अब मुझे कैलकुलेट करना लाइक फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ H2, फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ H2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ H2 क्या हो जाएगा, सिंपल कितना फीड में इंट्रोड्यूस किया, फीड में मैंने 50 मोल इंट्रोड्यूस किया, तो फीड में मैंने 50 किया तो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, माइनस ऑफ NH2 थ्योरेटिकल, मेन चीज होता है ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये गिवन रहा होता कि जो हाइड्रोजन है उसका कन्वर्जन है, उसका कन्वर्जन 50% गिवन है, हाइड्रोजन जो है उसका कन्वर्जन लाइक 50% गिवन है, तो उस केस में क्या आप ये थ्योरेटिकल चेंज हो जाता, नहीं, कन्वर्जन 50% गिवन हो 100% गिवन हो डजंट मैटर, देखिए गाइस
है ना, कन्वर्जन कुछ भी गिवन हो, ये मैटर करेगा थ्योरेटिकल किस पे, लिमिटिंग, मतलब कि लाइक मुझे मिल गया कि लिमिटिंग रिएक्टिंग यहाँ पर C2H2 है, तो 1 मोल ऑफ C2H2 के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो 20 मोल कंप्लीट, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए जितना यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए वो मुझे लिखना है, वो मेरा थ्योरेटिकल होगा, NH2 थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर 20 मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट के हैं, तो 1 मोल के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 मोल के लिए कितने 40 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये 40 तो मैंने लिख दिया पर 40 और डिनोमिनेटर में 40। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल एक्सेस ऑफ ए रिएक्टेंट। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि सिंपल कंबशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन और जो एक्सेस ऑक्सीजन वाला टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, देखिए कि कंबशन मतलब हमको कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन ये सब, तो यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंबशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर देखिए फ्यूल गैस में मतलब फ्यूल के साथ एयर रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हीट रिलीज हो रहा होगा, ये कंबशन हो गया ना। तो सिंपल फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंबशन ऑफ ब्यूटेन की अगर हम बात करें कि ब्यूटेन जो है 13 मतलब कि 7.5 मोल O2 से रिएक्ट करके यहाँ पर 4 CO2 प्लस 5 H2O बना रहा है, ये सिंपल कंबशन का एक एग्जांपल हो गया। अब मुझे यहाँ पर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन क्या होता है गाइस, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन होता है, इट इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहां लिख देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए, इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न ओल्ड कार्बन इन द फीट या फिर इन द फ्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कन्वर्ट तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हो सकता है, लेकिन इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न ऑल द कार्बन ओके, इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न ऑल द कार्बन इन द फ्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल हाइड्रोजन टू वाटर। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है बेसिकली जो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है। इसमें भी देखिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए मैं अगेन बोलूंगा आपको कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है, कन्वर्जन आपको ब्यूटेन का चाहे 10% गिवन हो, 100% गिवन हो, चाहे 50% गिवन हो, आपको मैटर करता है कि आप जो कार्बन गिवन है, जो फीड में जितना कार्बन गिवन है उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली मतलब टोटल कंबशन होगा जब CO, मतलब कि जब कार्बन का कंबशन हो गया, जब ओनली CO2 बनता है तो वो कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल होता है, अगर पार्शियल कंबशन होता है तो वहां पर CO भी बनता है। तो हम यहां पर कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंप्लीटली CO2 में बन जाए, उसके लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो बेसिकली होता है हमारा थ्योरेटिकल ऑक्सीजन। थ्योरेटिकल थ्योरी में तो ये हो गया, मैं आपको यहां पर जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। सो यहां पर लिखा है सर यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब एक्चुअली, पीपल लाइक यू आर मच नीडेड, रियली अप्रिसिएबल सर जी, एक बार आपको मिलना है बस, मीत सा, थैंक्स रियर। सो देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन की, है ना, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, ये चीज सिंपल समझ आ गई, बाकी आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा इजीली ये चीज, है ना, कि बेसिकली कैसे हम लोग थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल ये चीज समझ लीजिए कि लाइक जैसे यहां पर अभी कंप्लीट कार्बन जितने हैं, लाइक मेरे पास 4 नंबर ऑफ कार्बन है एंड यहां पर 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 13 बाई 2 जो 6.5 O2 जो है मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड, तो ये मेरा 6.5 बेसिकली क्या हो गया, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कन्वर्जन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे कंप्लीट यहाँ पर C4 जो कार्बन गिवन है उसका कंप्लीट कन्वर्जन होना चाहिए। नाउ अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल ऑक्सीजन, नाउ नेक्स्ट जो टाइम जहाँ पर प्रॉब्लम होती वो एक्सेस ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है, देखिए शिवम त्रिवेदी ना, ओके, एक्सेस ऑक्सीजन गाइस कौन से होता है, लाइक हमने जितना ऑक्सीजन सिस्टम में भेजा है, लाइक कंबशन सिस्टम है उसमें जितना ऑक्सीजन हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें से एक अमाउंट हो जाएगा थ्योरेटिकल, जो कि हमें नेसेसरी था, रिक्वायरमेंट था कंप्लीट कंबशन के लिए। देन अगर टोटल जो ऑक्सीजन आपने इंट्रोड्यूस किया है उसमें से अगर आप थ्योरेटिकल को सेपरेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेस ऑक्सीजन, सिंपल एक्सेस वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो एक्सेस है वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर।
कि जितना आपने फीड में इंट्रोड्यूस किया है आपको जितना रिक्वायर्ड था थ्योरेटिकली, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑल क्लियर? कंबशन के लिए ये डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करें? डेल्टा एच डोंट वरी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, अगर बाकी सारे पैरामीटर गिवन रहेंगे अगर ये अननोन होगा तो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करके। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे थे एक्सेस ऑक्सीजन की, ऑलरेडी मैंने बता दिया एयर जो है बेसिकली एयर को हम लिखते हैं लाइक 79% जो है वो नाइट्रोजन होता है इसमें एयर में, उसके अलावा 79% उसके अलावा 21% जो है वो होता है ऑक्सीजन। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट मैंने अज्यूम कर लिया, हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग एयर ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो क्या हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली सिस्टम में सप्लाई करते हैं? है ना, जिसने भी इंडस्ट्री में देखा होगा एक्चुअली तो उसको पता होगा कि हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं एयर। हम लोग सिंपल एक कंबशन ब्लोअर लगाते हैं, कंबशन ब्लोअर की हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेयर से जो एयर प्रेजेंट है वो मतलब कि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में, बिकॉज वी नो कि जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर में 21% ऑक्सीजन रहता है। तो अभी हम लोग सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एयर। अब रिमेनिंग जो है 79% लाइक हमने नाइट्रोजन का अज्यूम कर लिया, बाकी इंप्योरिटीज को हमने नेग्लिजिबल कंसीडर कर दिया, तो बाकी जो पार्ट है नाइट्रोजन वो क्या, वो एज ए इनर्ट प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है और एज ए मतलब कि फ्लू गैसेस में हमको नाइट्रोजन जो रहता है वो हमें एज ए फ्लू गैस मिल जाता है एक्सेस में। तो सिंपल देखिए, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं लाइक हमने अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इस वाई मोल्स, है ना, वाई मोल्स लाइक हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें वाई मोल्स अगर हमने देखिए एयर लिखा है मैंने वर्ड ना कि ऑक्सीजन, अगर हमने वाई मोल एयर इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें देखिए ऑक्सीजन कितना होगा, द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाएगा उसमें, द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन NO2 इज इक्वल टू वाई, वाई मीन्स हो गया टोटल एयर, सो टोटल एयर का कितना परसेंट, 21%, 21 इज डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज 21% ऑक्सीजन होगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो द मोल्स ऑफ O2। सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना है द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो या तो आप यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट कर दो टोटल मोल्स ऑफ एयर में से, अदरवाइज आप खुद कैलकुलेट कर लो द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है n2 जो है वो डिनोट करेगा यहाँ पर द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि टोटल जो एयर का अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो है एयर के वो हमने लिख लिया वाई, उसमें से जो 79% है वो क्या होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो गया 79 इज डिवाइडेड बाई 100। ये इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, सच कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया हमने। नाउ अगर उसके बाद देखिए लाइक हमने अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज एक्स मोल्स, है ना, ऑक्सीजन के एक्स मोल है। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एयर कितना रिक्वायर्ड होगा और उसके अलावा आपको वहां पर मतलब कि नाइट्रोजन कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो सिंपली हम लिख रहे हैं कि एन नंबर ऑफ मोल्स अगर ऑक्सीजन जो है हमने एक्स अज्यूम कर लिया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली हमें कितना रिक्वायर्ड होगा नाइट्रोजन। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए एक्स एयर का कंपोजिशन है ना, एयर का अमाउंट है, एयर का एयर के नंबर ऑफ मोल्स है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लोग इसका 79% नहीं लिखेंगे नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसका 79% नहीं हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर 79 इज डिवाइडेड बाई 29। तो यहां से हमको मिल जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, पहले हमने लिखा था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमने उसको एक्स कंसीडर कर लिया। तो अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इज इक्वल टू NO2 प्लस ऑफ N2। और मल्टीपल रिएक्शन हम लिखते हैं यील्ड एंड सिलेक्टिविटी। देखिए यील्ड क्या होता है और सिलेक्टिविटी क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको गेट में काफी मिल जाएंगे। यील्ड बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, लाइक बहुत सारी रिएक्शन है, मीन ए से लाइक पी बन रहा है, क्यू बन रहा है, आर बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक मैंने पी को डिजायर्ड कंपोनेंट कंसीडर कर लिया, आर को अनडिजायर्ड कंसीडर कर लिया, तो लाइक मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ, देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल मैं लिख रहा हूं द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन ऑफ द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट वुड हैव फॉर्म्ड इफ देयर इज ओनली
the moles of desired product form is divided by the moles of desired product that would have formed if there is only main reaction. If there is only main reaction means कोई भी side reaction नहीं हो रही, हम consider कर रहे हैं, we are assuming that there is no side reaction in our system. Okay, मतलब system में exist करेगी, but calculate करने के लिए, क्या calculate करने के लिए, यहाँ पर yield calculate करने के लिए जो denominator term आएगी, तब मैं बता रहा हूँ कि like हम consider करेंगे कि कोई भी side reaction हमारे system में नहीं है, जितना भी A है वो as a desired product वाली जो reaction है उसी को follow करेगा और वहाँ पर component जो भी product होगा वो form होगा. तो ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इज ओनली, ओके देर इज ओनली मेन रिएक्शन मीन्स नो साइड रिएक्शंस, मीन्स नो साइड रिएक्शंस एंड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो सिंपल कुछ भी नहीं है, आपके पास में रिएक्शन है, मल्टीपल रिएक्शन गिवन है, डिजायर्ड प्रोडक्ट के जितने कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं, है ना, मतलब कि जितने भी मोल्स बन रहे हैं बेसिकली द मोल्स ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, जब पी के जो कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके मैक्सिमम मतलब कि मोल्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, उस अमाउंट को आपको डिनोमिनेटर में लिखना है बेसिकली, है ना. उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिलेक्टिविटी. सिलेक्टिविटी सिंपल क्या होता है, सिलेक्टिविटी में द मोल्स ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट. लाइक वी आर अज्यूमिंग दैट पी इज ओवर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड क्यू इज ओवर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, देन द सिलेक्टिविटी इज द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म. इजी, सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर लिखना सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट is divided by the moles of undesired product. यहाँ पर desired word याद रखिए and another जो denominator है वहाँ पर याद रखिए undesired word, है ना, the moles of undesired product form. तो ये दोनों आपको term जो है वो याद रखनी है for multiple reactions. Easy है, easily आप question में कर पाओगे, कभी कोई problem नहीं होगा इस type के question solve करने में आपको यहाँ से. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अगर बताऊं, लाइक हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया C2H6 जो है वो C2H4 प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, यहां पर 10 मोल गिवन है इनिशियली, यहां पर 0 मोल गिवन है. नाउ ओके, हम लोग यील्ड और सिलेक्टिविटी लिख रहे हैं फॉर मल्टीपल रिएक्शन, ना मल्टीपल रिएक्शन लाइक यहां पर मतलब लाइक मैंने एक रिएक्शन लिख दिया ना, उसके बाद हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक सेकंड यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पर देखा कि 8 मोल C2 मतलब कि 8 मोल C2H6 रिएक्ट कर रहा है और उससे 8 मोल C2H4 बना रहा है, ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया. नाउ एक इक्वेशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेकंड जो है C2H6 जो है उसमें रिमेनिंग 2 मोल, मतलब टोटल में मुझे C2H6 के 10 मोल गिवन थे, 10 मोल ऑफ C2H6 हमारे पास में था. तो सिंपल यहाँ पर पहली इक्वेशन लिख दिया हमने, देन सेकंड जो इक्वेशन है उसमें देखिए रिमेनिंग जो 2 मोल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2CH4 फॉर्म कर रहा है जो कि अनडिजायर्ड है, ये अनडिजायर्ड है ना. ओके, 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर 4 मोल फॉर्म हो जाएंगे, तो ये बेसिकली क्या है, अनडिजायर्ड है. यहां तक क्लियर है? तो अब सिंपली देखिए यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि C2H4 मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो उस केस में मुझे कैलकुलेट करना है यील्ड, उस केस में मुझे कैलकुलेट करना है यील्ड और सिलेक्टिविटी. तो सिलेक्टिविटी तो सिंपली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे दोनों अमाउंट गिवन है, ये मुझे गिवन है, मतलब इस तरीके का रेशियो गिवन था कि 8 टोटल 10 मोल में से 8 मोल फर्स्ट रिएक्शन में मैं रिएक्ट कर रहा हूं और 2 मोल जो सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है. तो सिलेक्टिविटी सिंपल क्या हो जाएगी, द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म, द मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कितने हो रहे हैं यहां पर, 8 मोल्स, और मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं, 4 मोल. सो 8 इज डिवाइडेड बाय 4, सो यहां पर हमको मिल जाता है 2, सिलेक्टिविटी 2 मिल गया. अब हम बात कर रहे थे यील्ड की, तो यील्ड में देखिए हम ये कंसीडर करते हैं लाइक ये हमारा अनडिजायर्ड वाला रिएक्शन है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जितना मेरे पास फीड है वो डायरेक्टली सिर्फ डिजायर्ड रिएक्शन के लिए काम करे. तो 1 मोल C2H6 से 1 मोल C2H4 बन रहा है, तो 8 मोल से अगर 8 मोल बन रहा है तो 10 मोल से क्या बन जाएगा, 10 मोल C2H4 बन जाएगा. मतलब सिंपल मैंने दोनों इक्वेशन में से सिर्फ फर्स्ट जो डिजायर्ड कंपोनेंट वाली जो रिएक्शन वही कंसीडर करने वाले हैं, तो सिंपली यील्ड हो जाएगा वहां से कि जो 10 मोल है टोटली 10 मोल फर्स्ट रिएक्शन के लिए मतलब कि वर्क करेगा, तो उस केस में 10 मोल ही C2H4 प्रोड्यूस होगा. तो डिनोमिनेटर में जो टाइम मैं बोल रहा था वो क्या आ जाएगी, यहां पर 10 आ जाएगी, और न्यूमिनेटर में 8 मोल प्रोड्यूस हो रहा है. सिंपल द मोल्स ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहां से हमको मिल जाता है 0.8 × 100, तो ये 100% मतलब कि 80% जो यहां पर यील्ड हो जाएगी. यहां तक क्लियर है?
तो हमने यहां पर मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के लिए तीनों सिस्टम डिस्कस कर लिए, मतलब तीनों जो प्रोसेस थे वो डिस्कस कर लिए थे पहले, देन उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्शन मतलब कि मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया हमने, तो वहां पर जस्ट बेसिक टर्म्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम है ओरसेट एनालिसिस। देखिए ओरसेट एनालिसिस का मतलब क्या है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है ओरसेट एनालिसिस। ओरसेट एनालिसिस तो ये बेसिकली यूज होता है फ्लू गैसेस के जो कंपोजिशन है उनको मेजर करने के लिए, बट ऑन ड्राई बेसिस, मतलब उसमें जो मॉइस्चर कंपोजिशन H2O का जो पार्ट होता है उसको ही कंसिडर नहीं करता है। ओरसेट जो एनालिसिस होता है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया ओरसेट एनालिसिस, तो आपको जो कंपोजिशन कैलकुलेट करना है वो किस पे कैलकुलेट करना है, ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करना है, आपको ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करना है। सिंपली मतलब उसमें आपको आपको इंक्लूड नहीं करना है H2O का जो कंपोजिशन है। ओके, लाइक आपको मतलब सिंपली देखिए ओरसेट एनालिसिस का अगर एग्जांपल दूं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है लाइक 100 मोल ऑफ फ्लू गैस, 100 मोल फ्लू गैस गिवन आपको, 100 मोल टोटल फ्लू गैस, तो उस केस में देखिए यहाँ पर लाइक मुझे 60 मोल गिवन है N2, देन 15 मोल गिवन है CO2, देन 10 मोल इज O2। तो यहां पर देखिए लाइक टोटल हम बोल सकते हैं लाइक अब 100 मोल टोटल गिवन है ना, 100 मोल टोटल गिवन है, ये 60, 70, 80 and 85, ये तो 85 मोल हुए टोटल, ये टोटल 85 मोल हुए विदाउट H2O। लाइक रिमेनिंग इसमें से जो 15 मोल है बेसिकली वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, है ना। तो हम लोग जो नया मतलब नया मोल फ्रैक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लाइक मुझे नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये नाइट्रोजन था सबसे पहले, नाइट्रोजन फिर CO2 फिर O2, तो नाइट्रोजन का अगर मुझे बेस्ड ऑन ओरसीट मतलब ड्राई बेसिस पर अगर मतलब कि फ्रैक्शन लिखूं मैं मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 60 इज डिवाइडेड बाय 60 प्लस 15 प्लस ऑफ 10, जो वाटर का कंपोजिशन है उसको हम लोग जो मोल है उसको हम ऐड नहीं करते हैं यहाँ पर, तो ये ड्राई बेसिस पर हमको मिलता है कि यहाँ पर जो 100 में से हम डायरेक्टली परसेंटेज बोल सकते थे, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पर 0.705, है ना, मतलब कि इसको जब सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे 0.705 में बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में देखिए जो हम लोग डिवाइड करेंगे मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो वहाँ पर हम लोग एयर के जो मतलब कि H2O के जो मोल है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं ओरसेट एनालिसिस में, ड्राई बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसाइकल इन पेयर्स इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शन, रिसाइकल इन पेयर्स इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शन, रिसाइकल इन पेयर्स इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस। सो रिसाइकल इन पेयर्स के लिए मतलब रिसाइकल इन पेयर्स की हम बात करेंगे फॉर इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल देखिए मैं अगर प्रोसेस यहां पर ड्रॉ करूं रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग का, सबसे पहले देखिए तो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस लाइक हमने देखा लाइक ये रिएक्शन हो रही है, यहां से एक रिएक्टर है, एक यहां पर मतलब ये प्रोसेस है जहां पर हम फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रेश फीड, देन इसके बाद यहां पर सेपरेटर है, देन आफ्टर सेपरेटर यहां पर आउटलेट हम बोल रहे हैं नेट प्रोडक्ट है। तो यहां पर देखिए सिंपली क्या हो रहा है, देखिए हम फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिएक्टर में, रिएक्शन हो रहा है सिंपली यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसके बाद यहां पर जो सेपरेटर है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बी लाइक अनरिएक्टेड लाइक बेसिकली अनरिएक्टेड हमारा रिएक्टेंट रहता है उसको हम क्या करते हैं वापस से रिसाइकिल कर देते हैं, वापस से हम लोग क्या करते हैं रिसाइकिल कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हम इसको बोल रहे हैं रिसाइकिल स्ट्रीम, जिसे हम लोग अनरिएक्टेड भी बोल सकते हैं, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल यहां पर लाइक मेरा यहां पर हो गया फ्रेश फीड को ए से डिनोट कर रहा हूं, देन ये रिसाइकिल स्ट्रीम बी हो गया, यहां पर मिक्सिंग पॉइंट के बाद में मतलब जो फीड है यहां पर वो हो जाएगा मिक्सिंग फीड सी, उसके बाद यहां पर आउटलेट में प्रोडक्ट डी, उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा ई। तो यहां पर देखिए हम लोग टाइम डिफाइन करते हैं ओवरऑल कन्वर्जन, तो ओवरऑल कन्वर्जन क्या होता है, ओवरऑल कन्वर्जन बेसिकली किसको डिनोट करता है द इनपुट टू द प्रोसेस, मतलब लाइक हम लोग यहां पर एक कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम कंसिडर करें, है ना। तो यहां पर सिंपली हम लिखते हैं ओवरऑल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इनपुट टू द प्रोसेस
is minus of output from the process. Input to the process minus output to the process is divided by input to the process. Input to the process minus output from the process is divided by input to the process. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल कन्वर्जन. ओवरऑल कन्वर्जन की हम यहां पर बात कर रहे हैं. ओवरऑल कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनपुट टू द प्रोसेस माइनस ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय द इनपुट टू द प्रोसेस. क्लियर है? तो ये हम लोग ओवरऑल कन्वर्जन की बात करें. सिंपल हम लोग अगर हम लोग ये देखिए मैंने इनपुट टू द प्रोसेस लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन स्ट्रीम ए माइनस ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन ई. देखिए मोल्स मतलब कि सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, सिंपली द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन स्ट्रीम ए कौन सी है बेसिकली? देखिए सॉरी ये वाला मतलब फीड में जो है, बेसिकली फीड में जितना है मोल्स ऑफ, मतलब मैंने क्या लिखा था इनपुट टू द प्रोसेस, तो इसमें जितना मोल्स ऑफ ए है, उसके बाद मैंने लिखा माइनस आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस, तो जितना स्ट्रीम ई है बेसिकली उसमें जो बेसिकली होगा यहाँ पर है ना, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन ई इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द स्ट्रीम ए. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो सिंपली हमने लिखा द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन स्ट्रीम ए इज माइनस ऑफ moles of reactant in each stream is divided by the moles of reactant in stream A. The moles of reactant in stream A. Now similarly इसके अलावा हम लोग define करते हैं single pass conversion. आप सभी को पता होगा, जैसे मैं आपको revise यहाँ पर करा रहा हूँ, single pass conversion हम define करते हैं. Like हमने क्या किया, हमारा जो reactor basically इस पर कन्वर्जन हमने लिखा, इस रिएक्टर पे कन्वर्जन लिखा ना, तो यहां पर सिंगल इसमें हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, द इनपुट टू द रिएक्टर. यहां पर मैं प्रोसेस लिख रहा था, कंप्लीट जो प्रोसेस था, यहां पर अब मैं लिखूंगा इनपुट टू द रिएक्टर माइनस ऑफ आउटपुट फ्रॉम द रिएक्टर इज डिवाइडेड बाय इनपुट टू द रिएक्टर. तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली सिंगल पास कन्वर्जन. तो सिंगल पास कन्वर्जन क्या हो जाता है, इनपुट टू द रिएक्टर माइनस ऑफ आउटपुट फ्रॉम output from okay output input to the in, okay input to the not reactor sorry reactor ही आएगा, मुझे लगा मैंने process लिख दिया. so input to the reactor minus of output from the reactor is divided by the input to the reactor. okay तो सिंपली अगर आप इसको मोल्स के टर्म में लिखो तो मोल्स इन द सी स्ट्रीम लिख सकते हो, मोल्स इन द सी स्ट्रीम इज डिवाइडेड बाय द मोल्स इन द डी स्ट्रीम इज डिवाइडेड बाय द मोल्स इन द सी स्ट्रीम. इस तरीके से करके आप लिख सकते हो यहां पर सिंगल पास कन्वर्जन. तो यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है गेट में काफी बार, सिंगल पास कन्वर्जन एंड यहां पर जो ओवरऑल कन्वर्जन है उस पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में. उसके अलावा लाइक आप एटॉमिक बैलेंस भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, एटॉमिक बैलेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो. देखिए एटॉमिक बैलेंस के लिए क्या करना होता है, एटॉमिक स्पीसीज बैलेंस की बात कर रहे हैं. मतलब सिंपल हम इसमें क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ एटम्स. ओके एटॉमिक स्पीसीज बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, या इसे हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ एटम्स. सिंपल आपको क्या करना होता है, सिस्टम पे एटम्स ओके यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, एटम जो है इंडिविजुअल एटम्स ना, वो लाइक नाइट्रोजन के एटम हो गए, हाइड्रोजन के एटम हो गए, तो फीड और प्रोडक्ट में बेसिकली इक्वल होंगे. तो सिंपली हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एटॉमिक स्पीसीज बैलेंस. तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एटम्स इन
atoms in is equal to atoms out. यस उदित, सिटी होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा. टाइम तो रखा है मैंने, आई थिंक 8 o'clock, 8 o'clock आई थिंक रखा है टाइम, जहाँ तक मुझे याद है. ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना. टाइम टाइम जो है 8 o'clock है, सिटी का टाइम, टाइम जो है सिटी की क्लास का वो 8 o'clock है गाइस. जिसको नहीं पता है और जो ये क्लास देख रहा है वो सिटी की क्लास भी देखे. 8 बजे हम लोग सिटी स्टार्ट करेंगे. तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मतलब कि रिसाइकल स्ट्रीम, रिसाइकल स्ट्रीम और उस रिसाइकल स्ट्रीम के अलावा जो मतलब बाईपास और पर्जिंग होता है, बाईपास हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर गाइस देखिए, इतना अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन अगर केमिकल रिएक्शन से आता है, केमिकल रिएक्शन वाले सेक्शन से, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके ओके उदित, ओके. अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक यहाँ पर इस प्रोसेस कैलकुलेशन कोर्स का, वो है एनर्जी बैलेंस. एनर्जी में सिंपली हम क्या करते हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं. अगर लाइक ओपन सिस्टम के लिए लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू मतलब क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ क्यू वी, है ना. मतलब सिंपली देखिए, हम लोग किसी ओपन सिस्टम के लिए, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं. देखिए ओपन सिस्टम के लिए हम लिखते हैं, ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी बैलेंस क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू. ओके डू इट फास्ट लिटिल बिट, है ना. Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना. तो सिंपली हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, और वर्क डन जो है वो हम लोग जो फ्लो वर्क जो होता है बेसिकली P इंटू डी वी, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं. उसके अलावा शॉर्ट वर्क डन जो है वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते हैं. तो फॉर ओपन सिस्टम बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स लॉ हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी इंटू डेल्टा यू, P इंटू डेल्टा वी. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी इंटू इंटू डी वी, ये हम लिखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, है ना. तो सिंपली हमें पता है कि जो एंथैल्पी है, बेसिकली एंथैल्पी H इक्वल टू क्या हो जाता है, H इक्वल टू हो जाता है U प्लस पी वी, वेर U इज द इंटरनल एनर्जी एंड P इंटू वी इज द फ्लो वर्क, है ना. तो सिंपली देखिए हम लोग एंथैल्पी लिखते हैं, द एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, द हीट सप्लाई एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर कैन बी मेजर्ड एज अ चेंज इन द अनदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच वी कॉल द, मतलब कॉन्स्टेंट सिंपली क्या हो रहा है कि द स्पेसिफिक हीट है सीपी ना, मतलब एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर बेसिकली लाइक एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में जब चेंज होता है, लाइक किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर रहे हो एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो जिस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज होता है बेसिकली वो होती है एंथैल्पी यहाँ पर. और एंथैल्पी का एंथैल्पी जो उसको हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ द पी वी, प्लस ऑफ द पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ पी वी, जिसे हम लोग फ्लो फ्लो वर्क एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पर. तो सिंपल जो हीट है यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं फॉर फ्लो प्रोसेस, तो जो हीट है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एच के. हीट ट्रांसफर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एच के. और यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रिएक्शन के लिए, एच आउट माइनस ऑफ एच इन, एच आउट माइनस ऑफ एच इन, इस तरीके से हम लिखते हैं. अब अगर यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी इंट्रोड्यूस कर दे तो यहाँ पर एन कैप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, क्यू इज इक्वल टू समिशन ऑफ एन आई इंटू एच आउट कैप माइनस ऑफ समिशन ऑफ एच, ओके समिशन ऑफ एन आई इंटू एच आई, एच आई एन कैप, है ना. इस तरीके से हम लिखते हैं. अब एंथैल्पी बेसिकली ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, किसी रेफरेंस के स्टेट में बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एंथैल्पी जो है. एंथैल्पी ऑलवेज हम लोग किसी रेफरेंस के स्टेट में हम लोग डिफाइन करते हैं. अब लाइक अगर आपको सिंपल एंथैल्पी को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एनर्जी पे आप क्या करोगे सिंपल, वहां पर सिंपल सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब मास बैलेंस अप्लाई करोगे. आफ्टर मास बैलेंस वहां पर क्या करोगे, ओवरऑल मास बैलेंस अप्लाई करोगे, उसके बाद कंपोनेंट मास बैलेंस अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको एनर्जी बैलेंस सिंपल अप्लाई करते हैं ना किसी सिस्टम के लिए. इस टाइप का क्वेश्चन गेट में एक बार पूछा गया था, है ना. गेट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से. तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, कुछ टाइम से बेसिकली वो डिस्कस करते जाते हैं. तो पहला टाइम यहाँ पर देखिए हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी को हम क्या लिखते हैं, हीट कैपेसिटी हो जाता है डी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डी टी. सो यहाँ पर जो सी है किसको डिनोट करता है, हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस. और उसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक हीट लिखते हैं, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है,
किसी भी सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस के लिए द हीट कैपेसिटी ऑफ द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट की यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केल्विन, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जो है यूनिट हो जाएगी बेसिकली। आफ्टर हीट कैपेसिटी देखिए एंथैल्पी ऑलरेडी मैंने बता दिया, यू प्लस पी भी लिखते हैं। तो अगर हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर ये सब टाइम हम देखिए मतलब बात कर चुके हैं यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स में बेसिकली ना, एंथैल्पी जो है हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक एंथैल्पी इक्वल टू हो जाता है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी हो गया। अगर मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर लिख दूँ ये फॉर्मूला बेसिकली देखिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके डेल्टा एच, डेल्टा एच की टर्म में लिखे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी इंटू डेल्टा वी, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पर हम लोग देखिए लिख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट पी की अगर हम बात करें तो हमको मिल जाता है डी क्यू जो है हीट कैपेसिटी वो हमको मिल जाता है सी पी डी टी, डी क्यू इज द सी पी डी टी वेयर सी पी इज द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन ऑफ डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये किसके इक्वल हो जाता है डेल एच अपॉन ऑफ डेल टी के, बिकॉज डेल क्यू जो है वो डेल डेल एच के मतलब कि क्यू जो है वो मतलब कि क्यू जो है वो एच के इक्वल होगा। ओके गाइस, उसके अलावा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देखिए डेल्टा एच जो है हो जाता है डेल्टा यू प्लस ऑफ वी इंटू डी पी। तो यहाँ से हमको मिलता है देखिए क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ वी इंटू डी पी, तो सिंपली हम लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन ऑफ डेल्टा यू अपॉन ऑफ डी टी डेल्टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर वी जो है वो क्या होता है वी बेसिकली क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उसके अलावा देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू जो है मतलब एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम लिख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एच, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी पी इंटू डी टी, सी पी इंटू डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू, टेम्परेचर हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम टी वन टू टी टू। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्यू को बेसिकली। अगर यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर फॉर ए कॉन्स्टेंट प्रेशर मैं लिख रहा हूँ क्यू इक्वल टू डायरेक्टली किसके इक्वल होगा एंथैल्पी के इक्वल होगा, और इसमें सिंपली मैं लिख रहा हूँ कि ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द सी पी डी टी, बट सी पी जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए हीट का फंक्शन टेम्परेचर का फंक्शन होना चाहिए, हीट मतलब ए प्लस बी इंटू टी ए प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश, है ना, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देखिए फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन उस केस में हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डी टी इंटीग्रेशन, ओके क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द सी वी इंटू डी टी। उसके बाद गाइस देखिए आप लिख सकते हो मीन हीट कैपेसिटी, देखिए मीन हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मीन हीट कैपेसिटी से ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा गेट में। देखिए मीन हीट कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, मीन हीट कैपेसिटी लाइक अगर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट कंपोजिशन और टेम्परेचर चेंज की हम बात करें तो सीपी मीन जो है सीपी मीन बेसिकली हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सीपी इन सीपी इनटू डीटी इज डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी फ्रॉम टी वन टू टी टू, है ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सीपी मीन जो मीन हीट कैपेसिटी है बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डीटी इज डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, इंटीग्रेशन ऑफ द डीटी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर यहाँ पर कांस्टेंट कंपोजिशन और टेम्परेचर जो है वेरी करें देन उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट के लिए जो मतलब कि यूनिट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा सीपी मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डीटी इज डिवाइडेड बाय डीटी टी वन टू टी टू। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर ये आपको याद रखना है, और उसके बाद में देखिए गाइस कुछ डेफिनेशंस होती है, कुछ डेफिनेशंस एंथैल्पी चेंज मतलब कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, ये सब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मतलब इनका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, है ना, इनका मीनिंग बेसिकली क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करूँ, यहाँ पर देखिए सिंपली एनर्जी वर्सेस
टेम्परेचर, एनर्जी वर्सेज टेम्परेचर में यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए तो लाइक सिंपली हम लाइक हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम मतलब कि आइस को मेल्ट कर रहे हैं ना, आइस को लाइक वेपराइज करना चाहते हैं, तो उसका केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल लाइक मैंने यहाँ पर हमने मेंशन किया कि -25 डिग्री पे आइस प्रेजेंट है, तो इनिशियली हमने क्या किया उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया एट लाइक मतलब जहाँ पर ये आइस जो है मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख दिया ना। तो सिंपल एक आइस जो है उसका टेम्परेचर सबसे पहले तो -25 से 0 डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसिबल हीट, विद द हेल्प ऑफ सेंसिबल हीट। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फेस चेंज होता है जो आइस है बेसिकली, वो बेसिकली यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होता है कंप्लीटली, सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, सॉलिड यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली, यहाँ पर वाटर आ जाता है। देन इसके बाद में देखिए अगेन सेंसिबल हीट, सेंसिबल मतलब सेंसिबल हीट जो है ना, वो उसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लाइक पर्टिकुलरली। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हमें। देन उसके बाद में देखिए सेंसिबल हीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगेन अगेन यहाँ पर हम लोग जो मतलब कि फेस चेंज की बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जो भी यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है बेसिकली वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली 800 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 800 डिग्री हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगेन देखिए यहाँ पर अगर फेस चेंज मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लाइक हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 100 यहाँ पर आ गया था, हमने यहाँ पर 125 डिग्री तक इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली सेल्फ से अगेन यहाँ पर क्या आएगी, सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर आपको अगर टोटल हीट कैलकुलेट करना हो क्यू इक्वल टू डेल्टा एच, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना सेंसिबल हीट और यहाँ पर जो लेमडा लेमडा मतलब कि लेमडा हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेमडा हीट ऑफ वेपराइजेशन की आपसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज लाइक आपको पूछा जाए टोटल क्यू, तो मतलब सेंसिबल हीट के लिए तो क्यू इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी हो जाएगा, एमसीपी डेल्टा टी है ना, क्यू इक्वल टू जो है वो हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। और उसके अलावा आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर लेटेंट हीट जो बेसिकली है, लेटेंट हीट क्या हो जाता है, लेटेंट हीट लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इंटू मास ऑफ द सब्सटेंस, लेमडा इंटू मास ऑफ सब्सटेंस, देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट। ओके डेफिनेशन यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल सब टर्म की जो डेफिनेशन होती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन वो यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन गेट में पूछा गया भी है और आप कर सकते हो बेसिकली ना, आपको लाइक पर्टिकुलरली किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए हीट ट्रांसफर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। देन इसके बाद एक टॉपिक आता है हीट ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, हम यहां पर टॉपिक देख रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन इसे हम लिख रहे हैं देखिए डेल्टा एच आर केप से, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो है डेल्टा एच आर केप। बेसिकली क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइक मतलब किसी एंथैल्पी चेंज, बेसिकली किसी प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज की एंथैल्पी चेंज जो होता है वो होता है हीट ऑफ रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है, मतलब कोई जो रिएक्शन है बेसिकली है ना उसकी स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करनी चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक मतलब कि इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए प्रोसेस इन विच द स्टोइकोमेट्रिक इन विच द स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ ए रिएक्टेंट एट अ टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी रिएक्ट कंप्लीटली इन अ सिंगल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। सिंपली देखिए मैं आपको रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूं। सो हीट ऑफ रिएक्शन ना, हीट ऑफ रिएक्शन लाइक इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमको गिवन है CaCa2 प्लस टू एच टू जो है ये रिएक्ट करके यहाँ पर बना रहा है CaOH होल वाइज टू प्लस ऑफ C2H4, यहाँ पर हमने रिएक्शन लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने लिखा है CaCa2 प्लस ऑफ 2H2O से CaOH होल वाइज टू बन रहा है, देन प्लस यहाँ पर हमने कर दिया इसमें C2H2 हो गया है ना। तो इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर लाइक मुझे हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो गिवन है, हीट ऑफ रिएक्शन इज -1.25 किलो जूल पर मोल
है ना, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि लाइक कोई भी रिएक्शन उसके लिए आपको हीट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलरली गिवन रहेगी कि इतनी इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन है। अब लाइक आपको एक एक रिएक्शन गिवन है, दूसरी रिएक्शन गिवन है ना, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली लाइक एक रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो मतलब कि ये डिपेंड किस पे करता है, स्टैचोमेट्रिक। लाइक कंप्लीट इक्वेशन को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो न्यू इक्वेशन है उसके लिए स्टैचोमेट्रिक कोफिशियन कैलकुलेट करना है, मतलब सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो ट्वाइस हो जाएगी, वो उसकी ट्वाइस हो जाएगी, मतलब कि टोटली डिपेंड करती है स्टैचोमेट्रिक कोफिशियन पे। इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए प्रोसेस इन विच द स्टैचोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ ए रिएक्टेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्ट कंप्लीटली इन अ सिंगल रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट, मतलब कि एक रिएक्शन के लिए अगर हमको हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, देन अनदर रिएक्शन के लिए लाइक कॉरस्पॉन्डिंगली जो इक्वेशन है वो लिख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा देखिए हेस्लो जो है, देखिए हेस्लो पढ़ते हैं हम लोग, ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, लाइक स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है पर्टिकुलरली रिएक्शन के लिए हमको गिवन रहेगी, है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है पर्टिकुलरली हमको गिवन रहेगी, तो हेस्लो का यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल। यहाँ पर देखिए मतलब कि गिवन होता क्या है, हेस्लो की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइक मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल के लिए कि पर्टिकुलरली कोई एक रिएक्शन है वो गिवन है, मतलब जितने भी डिपेंडेंट रिएक्शन है वो गिवन है, उनकी हीट ऑफ रिएक्शन हमको गिवन है, ओके। अब उसके अलावा हमको कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है कि एक न्यू इक्वेशन दे दिया और न्यू इक्वेशन के लिए हमको हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इक्वेशन जो भी हमें इक्वेशन गिवन रहेगी उनसी उनकी इक्वेशन की हेल्प से जो हमें फाइनल जो हमारी इक्वेशन है वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। फाइनल जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि वो कैलकुलेट करेंगे और जितना भी हमने यहाँ पर लाइक मल्टीप्लीकेशन एडिशन जो लगाया है वो डायरेक्टली हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन पे, उतना ही हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमको हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, फाइनली हमको मतलब कि एसलो की हेल्प से जो हीट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। उसके अलावा एक होता है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, है ना, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या होता है, सिंपली हम लिख रहे हैं यहां पर देखिए, ओके हेस्लो के बाद में बात कर रहा हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। तो इस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, स्टैचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होता है उस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए, उसका अगर स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड किस कंपोनेंट से बन रही है वो रिएक्शन, है ना, स्टैंडर्ड लाइक कोई रिएक्शन मेरा लाइक कार्बन प्लस ओ टू जो है वो सीओ टू बना रहा है, तो ये जो कार्बन है बेसिकली, है ना, मतलब ये जो कार्बन है मतलब इसकी ग्रेफाइट स्टेट में है, तो इसकी ग्रेफाइट स्टेट के लिए यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन रहेगा, इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि एक कंपोनेंट के लिए यहाँ पर कितना हीट ऑफ इसका फॉर्मेशन होगा वो हमें गिवन रहेगा। तो पर्टिकुलरली हम लोग टोटल मतलब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए बेसिकली मतलब कि फॉर्मेशन डेल्टा एच आर, मतलब कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फॉर्मेशन रिएक्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेशन रिएक्शन, तो सिंपली ये लिख रहे हैं हम यहाँ पर फॉर्मेशन रिएक्शन डेल्टा मतलब डेल्टा एच आर केप से डिनोट कर रहा हूँ, आर यहाँ पर और उसके बाद केप डिनोट कर रहा हूँ केप से, तो ये हो जाएगा देखिए समिशन ऑफ न्यू आई इनटू फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कंपोनेंट फॉर्मेशन रिएक्शन, और यहाँ पर न्यू आई जो है बेसिकली मतलब ये हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, आपको इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए जो है वो गिवन रहेगा। देन उसके बाद में रिएक्टेंट के लिए आपको मतलब एक कॉमन रिएक्शन रहेगी ना, एक कॉमन रिएक्शन में जो भी मतलब कंपोनेंट है बेसिकली किस उसकी किस स्टैंडर्ड फॉर्म से बेसिकली वो बने हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलरली उसका फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन रहेगा, तो उसमें उसकी स्टैचोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और अगर रिएक्टेंट है तो यहाँ पर हम सबट्रैक्ट कर देंगे न्यू आई इंटू डेल्टा एच एफ आई केप न्यू नॉट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट, न्यू आई बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, न्यू आई जो है बेसिकली वो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसको डिनोट कर रहा है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट आई को डिनोट कर रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इस तरीके से आप समझ सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा। हम यहां पर बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन की, द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड एट अ रेफरेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन।
देन इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कोई टाइम है क्या? नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम ओके, हमने अभी देखा हेज़लो, हेज़लो के बाद में, हेज़लो इंपॉर्टेंट है, हेज़लो पे मतलब किसी भी इक्वेशन के लिए आप, आपको पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन तो पर्टिकुलर एक न्यू इक्वेशन के लिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो वो हम कर सकते हैं। देन इसके बाद लास्ट, अगर हम लोग फॉर्मूला की टर्म में बात करें तो ये लास्ट टर्म यहाँ पर है बेसिकली, है ना, और इस पर गेट के जो भी क्वेश्चन है पर्टिकुलरली सेक्शन पर वो आपको सोल्व करने हैं। ओके फाइनल यहां पर मैं एक रिलेशन बता देता हूं आपको, देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए एक डायग्राम सिंपल देखिए, आपके पास में रिएक्टेंट है पर्टिकुलरली किसी टेम्परेचर पे, आपके पास में रिएक्टेंट है पर्टिकुलरली किसी टेम्परेचर T1 पे, तो आपको यहां पर डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है, लाइक टेम्परेचर T2 पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इनिशियली देखिए T1 से आप इसको लेके जाओगे यहां पर T0 टेम्परेचर पे, T1 मतलब T0 टेम्परेचर 25 डिग्री रेफरेंस टेम्परेचर हो गया, यहां पर हमने इसको सेट कर दिया रिएक्टेंट को। ओके यहां पर ये जो यहां पर जो यहां पर एंथैल्पी लग रही है वो क्या है, डेल्टा H1। उसके बाद यहां से बेसिकली यहां पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ, बिकॉज ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड वो यहां पर गिवन रहेगा डेल्टा एच आर। देन यहां से फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली, उसको हम यहां पर वापस से इनिशियल, ये बेसिकली किस पे T0 इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहां पर बेसिकली मतलब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये डेल्टा एच आर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए सिस्टम के हम कैसे लिख सकते हैं, हमने कंसीडर किया लाइक T1 जो है और T1 जो है वो T0 से ग्रेटर देन है, इसको मैं T0 लिख रहा हूँ 25 डिग्री को, उसके बाद ये T2 से लेस देन है। तो सिंपल यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू यहाँ पर ई एम ए कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर देखिए डेल्टा एच1 पता होता है ना, उसके बाद में हमको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच आर नोट पता होता है, उसके बाद में हमको पता होता है यहाँ पर डेल्टा H2, ये तीनों अगर हमें पता है तो सिंपली हम लिख सकते हैं डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस ऑफ डेल्टा एच आर नॉट प्लस ऑफ डेल्टा एच आर टू, है ना, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच आर प्लस ऑफ डेल्टा H2, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब डेल्टा एच आर जो देखिए उसको हम यहाँ पर एलोब्रेट कर सकते हैं, सिंपली हो जाएगा डेल्टा एच वन हो जाएगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एनसीपी डेल्टा टी प्लस ऑफ सेंसेबल मतलब हम बोल सकते हैं प्लस ऑफ डेल्टा एच आर नॉट प्लस ऑफ एनसीपी डेल्टा टी, तो सिंपली यहां पर हमको मिल जाता है देखिए डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एन सी पी इन टू टी नॉट माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ डेल्टा एच आर नॉट प्लस ऑफ एन सी पी इन टू T2 माइनस ऑफ T1, इस तरीके से हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट यहां पर हमारा प्रोसेस कैलकुलेशन का सब्जेक्ट।